नमो महाभगन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुखदेवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्ताभीन अपराध लक्ष्य इत्ताशिकमादि तरंग मध्य कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ चय गोसाई करी चरण बंदन जाहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। समाधि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतार अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवतम स्वरूपम। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरहता तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया चरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाकर बोला हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो साहब, जो जितने जोर से प्रभु का नाम लगा उसका पाप उतना खत्म हो जाए, उसका उतना ही भक्ति जागृत होगी। इसलिए इतने जोर से बोलो जैसे पूरा घोड़े में टहलका मच जाए भागवत कथा हो रही है। जोर से जितने ताकत लगा कर बोल सकते हो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार तीन बार बोलनी चाहिए इसका एक उतना काम करते बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोला श्रीमद्भागवत कथा मृतम की जय का आनंद नहीं आया, कोई जय कोई हे बोल रहे हो, जोर से जय कर दो। बोला श्रीमद्भागवत कथा मृतम की अभी लग रहा है जय का जय में कुछ दम है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे। कहते भागवत कथा की इतने महिमा है, कहते श्री धुंधुकारी
उसने इतना पाप किया था, किसी बच्चे को अगर कुएं को पास में देखते हुए मिले तो कुएं में धक्का मार कर गिरा देता था, किसकी घर में ये आग लगा देता था, चोरी डकैत गुंडागिर्दी सारे उसने पाप कर्म किए। पिताजी को उसने इतने सताया, पिताजी घर छोड़कर भाग गए। मैया को उसने इतने सताए, मैया तो कुएं में छलांग मार करके आत्महत्या कर गई। फिर उसने छह बेस्या को घर में बुला करके रखा। कोई बोले मेरे लिए कपड़ा ले आओ, कोई बोले मेरे लिए क्रीम ले आओ, कोई बोले मेरे लिए अलंकार ले आओ। उसने राज दरबार में डाकू डाला और बहुत कुछ पैसा का लूटपाट करके लाए। छह बेस्या ने देखा सवेरे होते ही सीआईडी लग जाएगी, अगर ये पकड़ा गया तो इसको साथ में सबके सब हम जेल में चले जाएंगे। राता रात क्या की छह बेस्या ने, दो बेस्या तो गले में रस्सी से फांद लगाए, दो उसको हाथ पकड़ लिए, दो इसको प्यार पकड़ लिए, और एक ने जलते हुए लकड़ी की अंगार को मुंह में ठोस ठोस करके बुरी तरह से मार दिया। अभी वो बन गया प्रेतात्मा। जब घर में गोकर्ण आया, कभी हाथी बनकर डराए, कभी घोड़ा बनकर के डराए, कभी बिल्ली बनकर के डराए। इतने में उसने पूछा, भैया तू है कौन? अभी तो कुछ बोलना चाहता है लेकिन ये पाप कर्म किया, पाप कर्म से उसने प्रेतात्मा बना, अभी कुछ बोल नहीं पाता है। इतने में उसने कमंडल से पानी लेकर के मंत्र पूत करके जब उसके ऊपर छिड़काव कराए, थोड़ा जब पाप कम हो गया, बोले अहम भ्राता तो दी अस्मिन धुंधुकारी, बोले भैया मैं तेरे भाई हूं धुंधुकारी। बोले धुंधुकारी, अरे तेरे नाम पर मेरे गैया में पिंड दिया। आप लोग गैया गए हो? लगता है यहां से बिहार के बहुत भक्त बैठे हैं ना। कौन कौन बिहार के हाथ उठा तो बोलो, कौन कौन बिहार के हाथ उठा, जोर से हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा रहे। इसलिए गैया में भगवान का वरदान है, वहां पर ठाकुर जी की चरण है। गैया में भगवान ने वरदान दी, अगर कोई गैया में आए अपना पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार पिंड दे दे, वो जरूर समस्त पाप से मुक्त होकर के वो भगवत लोक को गमन करेगा। ये भगवान की वरदान है। गैया में पिंड देने का बड़ा पुण्य होता है। गोकर्ण ने कहा, तेरे नाम पर मैंने गैया में पिंड देकर गाया, तब भी तेरी मुक्ति नहीं बनी। देखो वो क्या कहता है, बोले भैया मैंने इतना बड़ा पापी है, मेरे नाम पर अगर किसी ने 100 बार भी पिंड देगा गैया में, मेरी उधार होने वाला नहीं, इतना बड़ा मैंने पापी है। तो उन्होंने से सूर्य देव को पूछे, इतने बड़े पापी की मुक्ति कैसे होगी? बोले आप ये श्रीमद भागवत कथा श्रवण कराओ, ये भागवत कथा की प्रभाव से इसको मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया, 7 गांठ के बांस गाड़ दिया। पहला दिन जब कथा हुई, इसका 1 गांठ फट गई, दूसरे दिन में 2 गांठ, तीसरे दिन में 3 गांठ, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। और बड़े सुंदर धुंधुकारी ने बड़े सुंदर देवता बनकर के चतुर्भुज रूप वैकुंठ के जो परिकर है, बड़े सुंदर बनकर के प्रकट हुआ। और वैकुंठ से रथ आया और रथ में बैठ करके वैकुंठ जा रहा था। इतने में गोकर्ण ने प्रश्न की, बोले मेरे के प्रश्न का उत्तर दो, बोले बताओ। बोले यहां पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए? बोले देखो बैठने पर थोड़ी होगा, कथा तो सुननी चाहिए ना। आ करके बैठ गए, शरीर से तो बैठे हुए लेकिन घर की याद आ रहा, घर में बच्चों को किसी ने भोजन खिलाया कि नहीं, पति की ऑफिस से आने का समय हो गया, अभी घर में क्या हो रही नहीं हो रही है। शरीर से तो यहाँ पर बैठे हो, अगर मन से अगर घर में हो फिर थोड़ी कथा सुनने का थोड़ी फल मिलेगा। बोले देखो यहाँ पर तो देखने के लिए सब बैठे हैं, लेकिन कथा जैसे सुननी चाहिए, यहाँ पर एक व्यक्ति उसने सही सही कथा सुना। कौन? बोले ये धुंधुकारी, क्योंकि ये प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, बड़ा कष्ट उठा रहा था,
वो सोच रही थी मेरे की मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, इसलिए ध्यान से इसने कथा को सुना। बोले और जो दूसरे दूसरे बैठे हुए बोले इन लोगों ने कथा नहीं सुने ठीक से, इनके अंदर में कमी है। बोले क्या है? बोले पहला कमी है बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मिन दिनत्व भावनम मन दोष जयस्ते साम कथायां निस्सलानुमति। कहते एक मन से कथा सुनना पड़ता है। पहला दोष है भागवत कथा में हमारी विश्वास होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, अगर सिनेमा आ जाए ना कोई गंदी से गंदी फिल्म, देखना तीन तीन घंटा वहां जाकर बैठे, टिकट खरीदी करके सारे नरक का रास्ता खाली करके। सिनेमा में तो अमिताभ बच्चन में तो विश्वास है, शाहरुख खान सलमान खान में तो विश्वास है, लेकिन भागवत कथा में विश्वास नहीं। भागवत कथा में विश्वास नहीं, हेमा मालिनी में बड़ा विश्वास है, ऐश्वर्य राय में विश्वास है, लेकिन भागवत कथा में इनकी विश्वास है नहीं। कभी कभी सोचते हैं ऐसे नहीं, पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए इसको झूठ मूठ का तो कथा नहीं बना दिया। आश्चर्य की बात है कलयुग में। इसलिए पहला दोष है विश्वास गुरु वाक्य सो, पहले गुरु की वाक्य के ऊपर में, शास्त्र के ऊपर में पहले विश्वास करो, क्योंकि धर्मत साक्षात भगवत प्रणीत। गीता क्या है? बोले जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता, ये साक्षात भगवान की कृष्ण की मुंह से निकली है। ये भागवत क्या है? भागवत मतलब क्या है? बोले भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, सर्वप्रथम भगवान की मुखार बिंद से ही ये भागवत चतुश्लोकी रूप में प्रकाशित हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास को दिए, व्यास ने परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव परीक्षित को दिए। ये भगवान से ये गुरु परंपरा रूप में ये कथा आई है। ये कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकटित हुई। एक बार जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए पहले पहला नंबर विश्वास हो गुरु जी की वाक्यों के प्रति। देखो कैसे विश्वास होनी चाहिए, छोटी सी एक कथा सुनो ध्यान देकर के। देखो जितने सारे कथा सुनते हो ना मन से सुनो और सबको याद रखना। घर में जाओ तो अपना बच्चों को सुनाना, पति को सुनाना, ठीक है ना, सबको कथा सुनाना। पहले तो तुम्हारी लाभ होगी, फिर तुम्हारी घर में अगर कथा हो ना, अगर तुम घर में भी कथा सुनाओगे जिस स्थान में कथा हो, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, जिस घर में भगवान की चर्चा हो ना वही घर में पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए एक मन से सुना, सारे कथाओं की याद रखना और घर में भी कथा सुनाना, ठीक है, अच्छे तरह से मन देख ले। बोले एक समय कोई एक चेला था, रोज एक नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में कथा सुनने आता था और रोज घर में चले जाता था। एक दिन जन्माष्टमी पड़ गई, आपको पता है ठाकुर जी 12 बजे जन्म लेते हैं, अभी 12 बजे जन्म हुए तो उत्सव भूसव तो हो गया रात एक। चेला ने कहा गुरु जी मैं घर में जा रहा हूँ। बोले बेटा रात एक बजे कहाँ जाओगे, अंधकार हो गया। बोले गुरु जी घर में जाने से ना आपकी याद आएगी, लेकिन अगर आपको पास में रहूंगा तो बीवी बच्चों का याद आएगी, इसलिए अच्छा है घर में जाए गुरु जी को याद कर। बोले बेटा सही बताए। बोले ठीक है जा। बोले गुरु जी एक दिक्कत भी है। बोले क्या दिक्कत है? बोले बीच में एक नदी पड़ेगी, अब ये नदी कैसे पार होगा, जो नैया चलाते हैं अभी तो सो गई होगा, रात एक बज गया। गुरु जी ने कहा देख बेटा तेरे को एक कागज में एक मंत्र लिख करके देता हूं, अब ये मंत्र को अच्छे तरह से पकड़ना, तो पानी के ऊपर में चलते चलते चले जाओ। बोले ऐसे गुरु जी मंत्र? बोले हाँ। तो गुरु जी ने एक मंत्र लिख करके दे दिया। बोले बेटा अच्छे तरह से पकड़ना। बोले ठीक है गुरु जी। अभी गुरु जी ने मंत्र दिया, अभी विश्वास करके सचमुच से वो पानी के ऊपर में चलते चलते जा रहा था। बोले भैया गुरु जी क्या मंत्र दिए जब मैं पानी के ऊपर चलते चलते जा रहा हूँ, करके पार हो गया, अभी थोड़ी सी बाकी रह गया। सोचा एक बार खोल कर देखू तो सही गुरु जी ने क्या मंत्र दिया है। जब वो कागजों को निकाला ना उसमें लिखा हुआ था, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो जोर करके, हरे कृष्णा। आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पीछे माता है तो बोल नहीं रहे कोई। देखा वो कागज ऊपर में ये हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ था। इतने में अभी तो पार हो रहा था किंतु विश्वास था ना। इतने में सोचा केवल हरे कृष्णा और कुछ है नहीं। बात जब उसको विश्वास खत्म हुआ ना, झट पानी में डूब गया। वो पानी में डूब गया। देखो ये जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है ना, इसका नाम महामंत्र है। महामंत्र मतलब क्या? जो असंभव है संभव हो सकता है। हनुमान जी का नाम सुने? कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो? भगवान राम को लंका जाने के लिए उनको पुल की जरूरत पड़ी, हनुमान को कुछ बनाना पड़ा। जय श्री राम बोले तो समुद्र को पार हो गया उसने। समुद्र को ठाकुर का नाम से समुद्र को पार हो गया। इसलिए गुरु जी से जो हरिनाम मिलता है ना, वो साक्षात भगवान कृष्ण है। ये कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए बोले ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकलाया परिणाम, अंत में निकलाया परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। सागर को रंग सके बिना सागर हरे से बजा हरे संकीर्तन की जय हो। देखो पहला विश्वास होनी चाहिए ठाकुर जी के नाम का प्रति। अगर हनुमान जी भगवान का नाम को लेकर के अगर सात समुद्र को पार हो सकते हैं, हनुमान जी अगर राम का नाम लेकर के प्रभु को पा सकते हैं, फिर हम क्या ठाकुर का नाम लेकर पा नहीं सकते हैं? जरूर पा सकते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए? देखो मेरे तरफ में गुरु जी ने जो माला दी है ना, ये माला को ठीक से जप करनी चाहिए, क्योंकि इसी नाम से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए पहला जो विश्वास है ना गुरु को वाक्य के ऊपर में,
भगवान का नाम के ऊपर में विश्वास रखो। दूसरी बोले स्वस्मिन दिनत्व भावनम, कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले अहंकारी बन करके नहीं, अहंकारी बन करके नहीं, अभिमान को लेकर के नहीं कथा सुननी चाहिए, हनुमान जैसे। कैसे सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, ज्ञानी बनकर कथा नहीं सुननी चाहिए, अज्ञानी बनकर कथा सुनो। इसलिए बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर लाख करोड़ों जगह में अगर राम की कथा होना, सबसे पहले श्री हनुमान जी जाएंगे, सबसे पीछे हाथ जोड़ करके बैठेंगे, आंखों से आंसुओं को बहाते हुए गदगद होकर के हनुमान जी कथा सुनते हैं। अब जाते हैं कब, जब सबके सब चले जाए, जहां पर सब लोग कथा सुनते थे वहां स्थान को प्रणाम करते हैं, कथा सुनने वालों को प्रणाम करते हैं, कथा बोलने वाले को प्रणाम करते हैं, और वहां के धूल को लगा करके हनुमान जी फिर घर में वापस जाते हैं। इसलिए कथा सुननी चाहिए, अज्ञानी बन करके ज्ञानी बन कर कथा नहीं सुननी चाहिए। हनुमान जी बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जैसे इतने बड़े ज्ञानी कौन बन सकता है, लेकिन हनुमान जी जब कथा सुनते हैं दीनहीन होकर के हैं, अभिमान को छोड़ करके कथा सुननी चाहिए। और तीसरी जो है मन दोष और जयस्ते, अपना मन को कंट्रोल करते हैं। अगर यहाँ पर बैठे, अगर मन यहाँ पर नहीं, मन घर में है, फिर क्या कथा में फिर मन लगेगी, बैठने पर भी क्या कथा सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो। इसलिए हम कहते ना भैया काम तो मन से करो, खाना तो मन से बनाओ, घर तो झाड़ू लगाओ तो मन से, बात कहते ना हर काम कैसे करनी चाहिए, मन से। इसलिए कथा कैसे सुना, मन से कथा सुननी चाहिए। अगर ऐसे कोई ध्यान से कथा सुनेंगे ना तो जरूर भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए जो श्रोता है दो तरह के हैं, कितने तरह के हैं बोलो जोर से, दो तरह के हैं। कहते हैं कि बढ़िया श्रोता और एक घटिया श्रोता है, लेकिन जो बढ़िया श्रोता वो चार ही तरह के हैं। कितने तरह के हैं, आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा जो याद रख करके आएगा। देखो पहला नंबर है हंस, हंस को अगर दूध दोगे देखना वो दूध दूध तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। मतलब कथा कैसे सुने, बोले कथा का सार सार तो ग्रहण करो और असार को त्याग दो। दूसरा नंबर है तोता, तोता तो देखे होंगे, देखना तोते में एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चे फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा फल कच्चा है और कौन सा फल पक्का, उसको पता है, वो पक्का हुआ फल में ही चोंच मारता है। मतलब क्या, बोले मुंह जहां तहां नहीं मारनी चाहिए, किसकी चुगली हो रही है, किसकी बहू भाग गई, किसकी बेटी को किसी छोरा ने भगा करके किसी छोरी को ले गया, उसी सांस लड़ने दबे लड़ाई, इस बात को बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। कहां पर बैठनी चाहिए, जहां पर हरि की चर्चा हो, जहां पर ठाकुर जी की कथा हो, वही पर मुंह मारो, सब जगह में मुंह नहीं मारनी चाहिए। क्योंकि आप जिसको बुराई करोगे ना, सारे बुराई तुम्हारे ऊपर आएगी, सारे बुराई, जिसको बुराई करोगे उसको सारे पाप तुम्हारे ऊपर आएगी, और तुम्हारे जितने पुण्य है ना वो सारे के सारे तुम्हारी पुण्य ले जाएगा। इसलिए कभी भी किसकी बुराई नहीं करके समय हो तो भगवान के नाम को जप करो। तीसरा नंबर है मछली, आप लोग मछली देखे होंगे, मछली का आंख कभी पलक नहीं झपकती है, देखना मछली हर समय आंख को खोली हुई रखती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, आंख खोल करके, मतलब एक मन से कथा को एक मन से सुननी चाहिए। मछली जैसे बगैर पलक झपते हुए खीर समुद्र में जैसे दूध को पान करती हैं, कथा भी अपलग नयन से एक एक कथा का सार जीवन में उतारनी चाहिए। बोले जो चौथा नंबर है मधुमक्खी, एक है मक्खी और एक है मधुमक्खी। जैसे फूल की बड़ी सुंदर बगीचा है, अगर वहां पर कोई मक्खी जाएगा ना, बताओ कहां पर बैठेगा, वो फूल के ऊपर नहीं बैठेगा, देखा कहां पर गंधा है, कहीं पूरा के पूरा गंधा है, लेकिन एक फूल है, मधुमक्खी कहां बैठेगा, कहां पर बैठेगा मधुमक्खी, वो फूलों के ऊपर बैठेगा, गंदी चीज में नहीं बैठेगी। तात्पर्य है हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, गंदी चीज में नहीं बैठनी चाहिए।
हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। जीवन में सार को ग्रहण करो। मधुमक्खी क्या करता है, कोई कांटा की वृक्ष क्यों नहीं हो, देखना वहां भी बैठी करके वो शहद को आहरण करके एक मधुमक्खी छता बना देता है, जो कि ठाकुर की अभिषेक में ठाकुर जी को सेवा में लगता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बनकर क्या बननी चाहिए, मधुमक्खी बननी चाहिए। बोले ये चार तरह के अच्छे श्रोता है, बोले चार तरह के घटिया श्रोता है। बोले कौन कौन, बोले एक है ऊंट। ऊंट तो देखे ही होंगे, देखना ऊंट क्या खाता है, कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया कोई फल पत्ता दो खाएगा नहीं, वो ढूंढेगा बबलू का कहां पेड़ है, कहां कांटा वृक्ष है। मतलब क्या है, जहां पर भगवान की प्यारी प्यारी कथा हो, जिसको भगवान की कथा से कोई मतलब नहीं है, जहां पर चुगली हो, बुराई हो, परनिंदा परचर्चा हो ना, वो वहीं पर बैठते हैं, वहीं पर उनके मन लगती है। यदि ये ऊंट है। दूसरा नंबर है बेल। अब बेल को बड़े सुंदर सुंदर फल दो, बड़े कोई भूसा घास भूसा दे दो, जिसमें कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को जो बराबर मानते हैं, मतलब ठाकुर जी की कथा हो, नहीं तो किसकी बुराई चुगली हो, सब जगह पर बैठ जाता है। तीसरा नंबर है कहते भेड़िया। इसको ध्यान से सुना, ये छोटा जाति का एक एक बाघ होता है, उसको पता किसी हिरण को मैं पकड़ नहीं पाता पाऊंगा, लेकिन वो हिरण के ऊपर में आक्रमण कर्म करेगा। जब कोई हिरण कोई सुंदर शब्द सुनकर के मुग्ध हो जाता है, सुलीली शब्द सुनकर मुग्ध हो जाएगा, ठीक उसी समय में ही ये बाघ उसको पर आक्रमण करेगा। मतलब क्या है, कुछ ऐसे श्रोता लोग घर तो छोड़ करके कथा तक तो आ गए, लेकिन जो कथा नहीं सुन करके, जो पास में बैठ करके एक मन से अगर कोई कथा सुनता होगा ना, उसको कथा सुनने के लिए बोले तेरे घर में क्या बना था, तेरे ने सुना है उसको घर में क्या हो रही है। बिना कारण के जो बैठे हुए जो सुनते हैं कथा, जिनको कथा सुनने नहीं दे करके हैं, जैसे वो भेड़िया हिरणों को पर आक्रमण करता है, उसको पर आक्रमण करके सुनता नहीं और दूसरों को भी ये सुनने नहीं देता, कहती है भेड़िया। और जो चौथा नंबर बताए घुरुंड, ये एक पक्षी एक हिमालय पर्वत में रहता है। इसका एक स्वभाव है, आप इसको जैसे सुनाओ ना ठीक वैसे आपको सुना देगा, लेकिन ये करते समय पूरा के पूरा उल्टा करेगा, सुनेगा भी सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में कुछ उतारेगा नहीं। इसको कहते भुरुंड है। इसलिए ये जो कनिष्ठ श्रोता चार तरह के, लेकिन और भी तीन तरह का है, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। बोले श्रोता मतलब क्या, वो देख देख करके बैठेगा, कहां पर बैठने पर बढ़िया नींद आए, वो देख देख कर बैठेगा, बस कथा प्रारंभ हुआ बस खर्राट टाण कर सो जाएगा, हैं पूरा पूरा सो जाता है। लेकिन जब कथा विश्राम होना, जब वक्ता बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तब इसका नींद खुलेगा। देखो एक समय कोई संत रोज कथा करते थे, एक बूढ़े बाबा थे जिनका काम था, बूढ़े बाबा थे लेकिन रोज कथा में अपना पोते को लेकर के आ जाते थे। कहां पर बैठते हैं, एकदम वक्ता को सामने बैठेगा, जब वक्ता भगवान की कथा शुरू करे बस सो जाएगा, हैं सो जाएगा। लेकिन जब वृंदावन बिहारी लाल की, फिर जगेगा, बोले वाह कितने सुंदर कथा हुई। अभी वक्ता रोज रोज परेशान, क्यों, सामने जो व्यक्ति बैठते हैं, देखो परीक्षित महाराज 7 दिन तक कथा कैसे सुनाए, सामने परीक्षित बैठे हुए थे, ये परीक्षित बैठे हुए थे सामने, ये अच्छे श्रोता थे, एक मन से कथा सुनते थे, इसलिए उनको देख करके इनके हृदय में हिल्लोड़ भावना आती थी। अगर सामने बैठे हुए व्यक्ति अगर कथा नहीं सुने ना, फिर तो वक्ता वक्ते रह जाएगा, फिर श्रोता सो जाएगा। अभी सामने बैठता है और कथा प्रारंभ हो गई नींद। एक दिन इसको पोता जो रोज रोज लेकर के आता था, एक दिन वक्ता ने बुलाया, बोले इधर आ, बोले तू इनको क्यों रोज ला करके यहाँ बैठाते हो, बोले दादा हमारी बाबा जी हमें रोज रोज 2 रुपया देते हैं। बोले तू कहाँ चले जाते हो, बोले मैं खेलता कूदता हूँ, कथा खत्म होने पर फिर बाबा को ले जाता हूँ। बोले देख एक तो काम करोगे, बोले बोलो, बोले कल से तुम अपना बाबा को पास में बैठना, दादा के पास में बैठना,
जब वो सोएगा ना उसको सोने नहीं देना, और उसको सोते समय ना हाथ में धक्का मार करके उसको सोने नहीं देना, मैं तेरे को 4 रुपया दूंगा। बोले 4 रुपया तो? बोले हाँ। बोले फिर तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा। ए बैठ गया बाबा के पास में। जब वक्ता प्रारंभ किया कथा, जब सोए ना हाथ में धक्का मारी, 1 घंटा तक कथा हुई, बाबा को तो 1 सेकंड भी सोने नहीं दिया। जब कथा खत्म हो गई, उसको बाबा ने पूछा, तेरे को 2 रुपया देता था, आज तू गया नहीं खेलने के लिए क्यों? बोले मेरे को जो बक्ता है ना बाबा, हमें बोले 4 रुपया देंगे। बोले जब 2 रुपया दे, जब 4 रुपया देंगे, फिर आपको सोने क्यों दूंगा? उन्होंने बोले उनको सोने नहीं देना। बोले कल तेरे को मैं 8 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे पास में बैठे रहना तू। इसलिए कहते जो सोता है ना, क्या करता है, कथा में आकर के सो जाते हैं। देखो शास्त्र में बताया, जो भागवत कथा में सोएगा ना, अगली जीवन में उसको अजगर सांप बनना पड़ेगा, ये भागवत कहता है। इसलिए कथा में कभी नहीं सोनी चाहिए। एक सोता, दूसरा नंबर होता है सरोता। सरोता किसको कहते हैं? बोले जिनको कथा से कोई भी मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं, केवल दोष देखने के लिए जो आता है। बोले यहाँ तोता कहा, तोता तो रखा ही नहीं, यहाँ नवग्रह की तो पूजा ही नहीं किया, यहाँ केले का पेड़ कहा है। जिनकी कथा बता से कोई मतलब नहीं, केवल दोष ढूंढने के लिए जो आते हैं, इनको कहते हैं सरोता। आप बताओ, जब ये भागवत कथा हुई, जब परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, जब उन्होंने जाकर के सुकर ताल में बैठे, वहां पर 88,000 ऋषि लोग आए। श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की, सुखदेव गोस्वामी आए, बस भागवत प्रारंभ हो गया। वहां कहां नवग्रह की पूजा, कहां पर वहां पर पूजा सेवा, बस बैठो और भगवान की कथा सुना। नियम है, कथा को ठीक से सुना, कथा का सार को अपना जीवन में उतारो, भार ग्राही नहीं सार ग्राही बनो। इसलिए कथा घटिया श्रोता 4 तरह का, लेकिन ये जो भागवत कथा ये 4 तरह का है। बोले क्या है? बोले एक सात्विक, एक राजसी, एक निर्गुण और एक तामसी। बोले तामसी कथा किसको कहते हैं? जैसे कहीं अगर 7 दिन कथा हुई, किसी तरह से 7 दिन बिता देना, कभी कथा को बीच में आ जाए, नहीं तो कथा जब समाप्ति होने के लिए जाए तभी आ जाए, हैं? कभी मन लगे, कभी मन लगा नहीं, एक चक्कर घूम घाम करके आ गए, किसी तरह से जो 7 दिन बिता देते हैं, इसको कहते तामसी कथा है। बोले राजसी की कथा किसको कहते हैं? बोले कथा को तो बड़े धूमधाम से प्रारंभ करवाए, कथा की हाँ कथा तो आयोजन किया बड़े धूमधाम से, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन खुद कथा में बैठे नहीं, खुद कथा जो नहीं सुनते, कहते ये केवल ये राजसी कथा हो गया, ये कथा भी सही नहीं। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं? बोले सदा से व्याम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेणा हरिश्चितंग समाश्रय। सही कथा उसको कहते हैं जिसने अपना जीवन को ही भागवत बना दे, रोज नियम करके, रामायण हो नहीं तो भगवत गीता हो नहीं तो भागवत हो, रोज अपना घर में जो पढ़ते हैं। इसलिए पद्म पुराण में बताए, अगर किसकी घर में 1 श्लोक हो, नहीं तो आधी श्लोक हो, नहीं तो आधी से आधी भी श्लोक किसको घर में ये भागवत का पाठ होना, उसका जो घर है ना वो घर नहीं, वही श्री वृंदावन धाम है, वो घर वृंदावन धाम बन जाता है। वो घर जिस घर में या जिस घर में रामायण हो, साक्षात क्या हो जाता है, राम अयन, जहाँ राम का आश्रय है वो राम अयोध्या बन जाती है। जिस घर में भगवत गीता हो, बस जिस घर में भागवत हो, वही गोलोक वृंदावन बन जाए कोई घर। इसलिए नियम करके किया करो, कुछ ना कुछ रामायण भागवत गीता पढ़ो। आप लोगों को पता होगा, जैसे मुसलमान लोग हैं, आप देखना जब शुक्रवार होता है पूरा रोड को जाम कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके ले जाते हैं और वहां पर नमाज पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। आप मुसलमान का किसी भी छोटे किसी बच्चे को पूछ लो। मैं कभी कथा करने के लिए गया था जयपुर, जब आ रहा था देखा एक 10 साल का बतख पतंग उड़ा रहा था, मैंने पूछा भैया तेरा नाम क्या, जो नाम बोला उसे पता चला ये मुसलमान है। मैंने कहा भैया तुमको कुराना आती है? वो छाती तान करके बोला हाँ मेरे को कुराना आती है। बोले बोलो, ए कुराना बोलना शुरू कर दिया।
मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से ये कुरान पढ़ाया जाता है। देखो आप हिंदू लोग को अच्छे तरह से सुना, बोले हमारी मुसलमान धर्म में कंपलसरी जो बच्चे को 2 साल हो जाए ना उसको कुरान पढ़ाते। आप किसी मुसलमान बच्चे को पूछ लो कुरान बोलेगा, लेकिन हिंदुओं को बच्चे क्यों किया, उनको पिता माता को पूछो गीता का कोई श्लोक आता है, रामायण का कोई चौपाई आती, बोले नहीं। बोले पूछो कौन हीरो का नाम क्या याद है, कौन हीरोइन का नाम, सब जितने अंटस अंटस सब याद करके बैठे हुए, लेकिन अपना शास्त्र ग्रंथ में कोई रुचि नहीं। देखो अच्छे तरह से सुनो, हमारे जो बड़े गुरुजी थे ना, आप लोग को सिख्या लेकर के जाना, हमारे जो बड़े गुरुजी थे, हमारे बड़े गुरुजी को एक व्यक्ति आ करके बोला, बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते, बड़े अशांति घर में, कोई सुख शांति नहीं, बड़े विशृंखला घर में, बच्चे बात नहीं सुनते। तब हमारे बड़े गुरुजी बोले, बोले बेटा तू रामायण पढ़े हो कभी, बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं। बोले जब रामायण तो पढ़ोगे नहीं, रामायण नहीं पढ़ाओगे तब तेरे बच्चों को तुमको क्या, तुमको प्रणाम क्या करेगा। कहां पर बताया गया पिता माता की स्पर्श चरण छुओ, कहां पर बताया गया पिता माता की आदेश पालन करो, रामायण में। अब रामायण पढ़ करके देखो, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता की चरण छूते थे। रामायण देखे हो, कौन कौन टीवी में रामायण देखा, हाथ उठाओ। तो जिस समय भगवान, जिस समय दशरथ महाराज सैन्य करते हैं, आप देखे होंगे भगवान राम स्वयं जाकर के पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। आप बताओ भगवान कितने साल के लिए वनवास गए थे, क्यों गए थे, दशरथ महाराज का आदेश पालन करने के लिए, इसलिए तो गए ना। ठाकुर जी स्वयं, भगवान स्वयं कितना, रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, इसलिए भगवान 14 साल के लिए वनवास गए। किसके आदेश पालन करने के लिए, अपना पिताजी के नहीं, उनकी सौतली माँ, अपना कौशल्या के लिए नहीं, वो सौतली माँ के आदेश पालन करने के लिए। दशरथ महाराज मना कर रहे थे, मत जाया, बोले नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पिताजी का जो प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, इसलिए 14 साल के लिए ठाकुर जी वनवास गए। अब अपना बेटे को बोलो, बेटा तू मेरी सेवा के लिए आदेश पालन करने के लिए तू 14 दिन मेरी सेवा के लिए कहीं जाओ, बताओ तुम्हारे बेटा जाएगा कि नहीं, बोलो। 14 दिन के लिए हनीमून बनाने के लिए जा सकता है, हनीमून बनाने के लिए 14 साल के 14 दिन के लिए जाएगा, लेकिन पिता माता की सेवा के लिए नहीं। कारण क्या है, देखो इस चीज को समझो, कारण यही है हम रामायण पढ़ते नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हैं, उसको स्मार्टफोन 10-20 हजार रुपया की स्मार्टफोन पर ले, तू पबजी देखते रहे, तू पबजी देख, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए भजन के लिए कुछ नहीं। हाँ देखो इसलिए नियम क्या जानते हो, बच्चों को संस्कार कब पड़ेगा, बच्चे का पहला गुरु पिता माता, कौन है, पहले माँ, उसको बाद में बाप। माँ जो करता है ना, देखना बच्चा स्वाभाविक रूप में वही काम करता है। माँ अगर घर में बैठ कर गीता पढ़ेगी रामायण पढ़ेगी, बच्चा भी देखना वही करेगा। अगर माँ अगर लेकर के माला जप करेगी, फिर बच्चा देखेगा ना मेरी भैया क्या कर रही है, माला जप करती है, वो भी माला लेकर के बैठेगी। अगर देखेगा माँ दिन भर स्मार्टफोन में लगी हुई, दिन भर टीवी खोल कर बैठी हुई, बच्चे संस्कार कहाँ से मिलेगा, पहला गुरु तो माँ है। ठीक है, क्या करना, अगर आप चाहते हो मेरे बेटे संस्कारी बने, पिता माता की सेवा करे, पिता माता की आदेश पालन करे, पहला कर्तव्य खुद माँ और पिता को माला जप करो, गला में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, भागवत रामायण गीता पढ़ो। देखो जिस घर में प्रभु का भजन हो, बच्चे भक्ति करना, वही घर ही वृंदावन है। वृंदावन और कहीं नहीं है, वही घर ही वृंदावन है जिस घर में प्रभु का नाम कीर्तन हो। नहीं तो क्या होगा, नाम के 3 बेटे, 1 जुआड़ी, 1 गजड़ी, 1 भंगड़ी बनकर घूम रहे। हरे कृष्ण पीछे 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 माता है तो मुंह खोल नहीं रहा है। जो जितने जोर से ठाकुर का नाम लोगा उतना पाप खत्म होगी, उतना भक्ति मिलेगी। देखो यहाँ पर हम कितने 400-500 भक्त लोग बैठे, एक बार ठाकुर का नाम लोगे ना, एक बार तो नाम लोगे लेकिन 500 बार नाम लेने का फल मिलेगा। इसलिए एक बार जोर करके बोलो,
बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे एक भजन राम राम हरे हरे और एक बार जोर करके बोलो बोले हरे कृष्णा तैयार करो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन के रक्षिको जहाँ
छोटे काज करू। I'm gonna make it.
सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम धीमहि। गद भागवत का प्रारंभ हमें श्री सुखदेव गोस्वामी तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है आप कोई भी काम करो घर में, अगर भगवान की स्मरण करते हुए गुरु वैष्णव और भगवान तीनों का अगर स्मरण करते हुए कोई भी काम करोगे वो काम जरूर होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक से ठाकुर जी को ध्यान करते हैं। बोले किसको ध्यान करते हैं? बोले श्री बांके बिहारी लाल की। बोले वो कौन है? बोले सत्यंग परम धीमहि, जो ये परम सत्य है ये भगवान श्री बांके बिहारी। यहाँ पर हमारे रसिक टीकाकार कहते हैं क्या भागवत में केवल बांके बिहारी को स्मरण किया ना और किसको स्मरण किया? बोले अकेले कृष्ण को स्मरण नहीं किया, उसको साथ में श्री राधा रानी को भी स्मरण किया, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए आप वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन में गए आप बताओ, वहां किसके नाम लेते हैं सबके साथ? अरे जोर से बोलो और जोर से। वृंदावन में देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, सबके सब श्री राधे राधे बोलते। बोले क्यों? कारण क्या जानते हो? ये कृष्ण खुद कहते हैं बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात् ददामि भक्ति उत्तमम, धा शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभात। अगर किसी ने केवल रा अक्षर बोल दिया, अभी धा नहीं बोला, कृष्ण कहते ये रा अक्षर सुनते ही मैं तो पागल हो जाता हूँ। बोले मेरी श्री लादिनी शक्ति राधा रानी का रा अक्षर बोला, अभी इसको मैं दू तो दू किया, लेकिन ये रा अक्षर की इतने महिमा है, कभी ये विश्व ब्रह्मांड में इसकी विनिमय में उनको देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं रहता, मैं खुद को खुद दे देता हूँ। आज से भैया मैं तेरा ही बन गया। अगर कोई धा बोल दिया ना, कभी रा और धा ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं भी उसको पीछे 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 भागता रहता हूँ। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। Thank you.
देखो ये जो ब्रजवासी लोग है ना बड़े चालाक है। देखो चालाक कौन है, परिश्रम तो कम कर लेकिन को माल खूब मिले। लोग तो यही चाहते है ना, परिश्रम कम हो लेकिन माल हमें। देखो राधा रानी का नाम में कितने महिमा, ये शंकर पार्वती का संवाद है। एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं, ध्यान देकर सुनो बड़ी काम की बात है। बोले प्रभु भजन करे तो किसको भजन करे। शंकर जी बोले पार्वती बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम। बोले हे पार्वती जगत में जितने आराधना है जो सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की। तब से माता पार्वती विष्णु का एक सहस्र नाम है, 1000 विष्णु का नाम को तब से माता पार्वती ग्रहण करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे शंकर जी बोले पार्वती भोजन लाओ। बोले प्रभु भजन तो नहीं हुआ, भोजन की बात करता हूँ, पहले भजन उसके बाद में भोजन। ऐसे नहीं भजन किए बगैर माला तो किया नहीं, ठाकुर को पूजा नहीं किया, बस रसोई बनाना चट कर दिया, ठाकुर का सेवा पूजा कुछ नहीं, नहीं। इसको राखियों से स्नान करते। जो व्यक्ति ठाकुर को सेवा पूजा नहीं करके ठाकुर को बिना भोग लगाए बनाया चट कर लिया, ये कभी नहीं करनी चाहिए है। पहले भजन। देखो माता पार्वती जगदम्बा जगत जननी है, विष्णु सहस्र नाम को स्वयं ग्रहण करती। आप और हमारी बात छोड़ दो, ये माता स्वयं करती है। शंकर जी जब बुलाए बोले देखो प्रभु जी अभी भजन होने दो, बाद में भोजन होगा। इतने में शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को और एक सरल रास्ता बताता हूँ जो परिश्रम कम और फल ज्यादा मिलेगा। बोले बोलो प्रभु जी। एक श्लोक है, हो सकता आपको याद होगा, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। पार्वती बड़ी सुंदरी, बोले हे सुंदरी पार्वती अगर कोई जीवन में जो विष्णु सहस्र 1000 विष्णु को अगर कोई नाम लेता है, एक बार केवल श्री राम का नाम ले, एक बार राम नाम लेते ही उसको 1000 विष्णु नाम लेने का फल मिल जाएगा। पार्वती बोली प्रभु फिर तो रघुपति राघव राजा राम और पति तो पावन सीताराम। फिर तो माता पार्वती राम का नाम लेती है। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी बोले पार्वती भोजन लाओ। बोले प्रभु जी आप बड़ी जल्दीबाजी करते हो, भजन नहीं हुआ भजन की बात जल्दी करते हो, पहले तो भजन करने दो। तब शंकर जी बोले इधर आ पार्वती, तेरे को और एक सरल नाम बताता हूं जिसमें तुमको ज्यादा फल मिलेगी। बोले बताओ। देखो ये श्लोक है, बोले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नाम एक तद प्रजच्छति। बोले हे पार्वती अगर किसने 3 बार विष्णु सहस्र नाम ले, बोले 3000 अगर कोई विष्णु का नाम ले, एक बार श्री बांके बिहारी का नाम ले लेता है, एक बांके बिहारी नाम समान 3000 विष्णु का नाम। मतलब जब एक बार कृष्ण नाम कोई बोलता है उसको 3000 विष्णु नाम लेने का फल मिलता है और 3 बार राम का नाम लेने का फल मिलता है। क्योंकि जो कृष्ण है बोले ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म है जिसको ब्रह्मा खुद कहते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये ब्रह्मा स्वयं कहती है बात को, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण ये कृष्ण है। इसलिए 16 कला में जो परिपूर्ण है ना ये भगवान श्री बांके बिहारी कृष्ण है। बोले श्री बांके बिहारी की। अभी माता पार्वती अभी बांके बिहारी के नाम ले दिन भर। एक दिन शंकर जी बोले पार्वती आज तेरे को एक बड़ा रहस्य बात बताऊंगा, क्योंकि तू मेरी अर्धांगिनी पत्नी हो, जगदम्बे जगत जननी है, तेरे को कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ। बोले प्रभु जी आप तो खुद कुछ दिन पहले बोले, आप ही तो बोल रहे थे जे कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण, ये वाक्य बिहारी समस्त कारण का कारण है। इसलिए देखना महाभारत युद्ध में कृष्ण विराट रूप दिखाया, आप देखे होंगे ना विराट रूप देखे कि नहीं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन देख अर्जुन मैं कौन हूँ, कहते मत परतरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से कोई परतत्व नहीं, देख जिसको तू ब्रह्मा कहते हो देखो ब्रह्मा मेरे में।
जिसको तुम शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको हनुमान देवी कहते हो गणेश, देखो ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, मई सर्वविदम पुरुषम सूत्रे मणि गणाई, जैसे एक फूल की माला मेरे तरफ में देखो, ये कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, जैसे ये फूल की माला, आप बताओ उसमें धागा दिख रही है आपको, धागा दिख रही है नहीं दिख रहे आपको, क्या दिख रही है, ये फूल ही फूल दिख रहे हैं लेकिन उसका अंदर में क्या धागा है ना, अगर धागा को तोड़ दोगे तो फिर ये माला रहेगी, लेकिन वो माला आपको धागा दिख रही है नहीं दिख रही है। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन, ये विश्व ब्रह्मांड में कण कण में मैं व्याप्त हूं, मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है, कहते ना उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, देख अर्जुन मैं कौन हूं। इसलिए कृष्ण ऐसे के देवता है, कहते जब भगवान कृष्ण को चरण में, ये चीज को समझो, जब श्री बांके बिहारी जी की चरण में हम प्रणाम करते हैं, ये अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम करना हो जाता, क्यों, उनका अंदर में विश्व ब्रह्मांड ही उनका अंदर में। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, आप भी अच्छे तरह से समझो सुखदेव गोस्वामी क्या समझा रहे हैं। जैसे एक पेड़ है, अगर कोई व्यक्ति उसकी जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर पत्ते में फल में फूल में पानी दे, बताओ ये पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कहीं भी पानी नहीं देता है लेकिन केवल उसका जड़ में पानी दे रहा है, लेकिन बताओ वो पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं, रहेगा। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे शरीर है, अगर कोई व्यक्ति मुंह में खाना नहीं दे, बोले भैया कान में तो सुनते ना थोड़ा डाल डाल दो, आंखों में देखते हैं थोड़ा रोटी भी वहां पर दे दो, हाथ में काम पैर में चलते हैं थोड़ा सब्जी दे दो, ऐसे कोई करते हैं, बताओ आहार कहां पर देते हो, मुंह में आहार देते हैं। जब हम मुंह में आहार दे देते हैं, जब ये पेट में चले जाए ना, सारी इंद्रियां काम करते हैं, सारी इंद्रियां काम करते हैं, और कोई खाने देने का जरूरत नहीं, आंखों में कानों में नाक में कोई खाना देते हैं, कोई खाना नहीं देते हैं। इसलिए यहां पर कहते जो कृष्ण है, देखो ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसलिए जो कृष्ण जो बांके बिहारी, ये अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जी के अंदर में विद्यमान। जब बांके बिहारी की हमने प्रणाम कर दी कृष्ण को, क्या हुआ, समस्त देवा देवी संतुष्ट हो गई। इसलिए हिंदी में एक कहावत है ना, जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर बांके बिहारी की कृपा हो जाए उसको ऊपर विश्व ब्रह्मांड जितने देवा देवी, भोले बाबा माता देवी हनुमान जी शंकर जी सबके सब उसको ऊपर खुश हो जाएंगे। देखो हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता, कितने देवता है आप बताओ, दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करोगे 30 दिन में कितना पूजा होगी, 30 करोड़ होगा, अभी 3 करोड़ बाकी रह गया कि नहीं, आप देना एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा, तीसरा को मनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, आप बताओ कितने को मनवाओगे। लेकिन ये बांके बिहारी ऐसे के देवता हैं, जो अगर खुश हो गए ना बांके बिहारी, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड उनके अधीन में है और इनके अंदर में विश्व ब्रह्मांड विराट रूप दिखाए ना अर्जुन को कृष्ण, देखे कि नहीं विराट रूप ठाकुर जी को, सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके अंदर में, अगर बांके बिहारी को प्रणाम कर लिया उनकी भक्ति कर दिया तो समस्त देवादेवी आपको ऊपर में प्रसन्न हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो कृष्ण नाम है ये पूर्ण नाम है, लेकिन शंकर जी बोले देखो पार्वती कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप ही तो बता रहे थे कृष्ण ही सब कुछ, सब कुछ है उस विश्व ब्रह्मांड उन्हीं में 16 कला में आप फिर कह रहे हो। बोले मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये बांके बिहारी ये चंद्रमा को ये बात बोले, देखो ये श्लोक है, ये चंद्रमा को कृष्ण खुद कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतमम जा करोति सदा राधा ना जाने महिमा किमतम। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा अगर मेरा कोई 100 बार नाम ले ले, बांके बिहारी की 100 बार नाम ले ले, अगर किसने एक बार श्री राधा रानी का नाम ले लेता है, मेरे सा नाम के बराबर है कि श्री राधा की नाम है। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, ब्रजवासी बड़े चालाक है चतुर है, इसलिए किसका नाम लेते हैं वृंदावन में, अरे जोर से बोलो और जोर से, हाँ इसलिए कहते हैं ना
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे अभी जब बोले बोले पार्वती बोली प्रभु मैं तो और किसी का भी नाम नहीं लूंगा, दिन भर राधे 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 नाम लूंगा। शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य, बोले फिर क्या रहस्य हो गया? अब तो खुद बोले कृष्ण खुद कहते हैं मेरे नाम 100 बार लेने से जो फल मिलेगा एक बार श्री राधा जी का, फिर रहस्य क्या है? बोले देखो राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे, राधा रानी का नाम लेने से राधा रानी नहीं आएगी, वहां पर कौन आएंगे? बिहार जी आएंगे। बोले फिर? बोले अगर तुम राधे राधे बोलने से बिहारी आएंगे, अगर तुम बिहारी बिहारी जी बोलोगे ना, कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो वहां श्री राधा रानी आएगी, क्योंकि राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी खुश होते हैं। बोले प्रभु जी आप तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिया, अब बताओ राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोले? बोले दोनों का ही नाम लो, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है और कृष्ण के बगैर राधा आधा है, दोनों मिल करके परिपूर्ण, इसलिए जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण ये बसो, जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, ये कोई अलग नहीं, वो एक आत्मा केवल लीला करने के लिए वो राधा कृष्ण रूप में प्रकाशित हुए हैं, इसलिए दोनों का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए बोले कौन सा नाम लेनी चाहिए? बोले जो हरे कृष्ण हम लोग मेरे साथ में बोलो पीछे पीछे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो हरे नाम है श्री राधा रानी का नाम, कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को चोरी करती है राधा, इसलिए उनका नाम हरे, हरा से योग हरे, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, फिर उसमें हरे राम आता है, फिर हरे तो राधा रानी, फिर राधा को साथ में तो श्याम होंगे ना, लेकिन राधा को साथ में राम कहां से आ गए? पर ये महामंत्र में जो राम शब्द अच्छे तरह समझो, जो महामंत्र में जो राम आता है ना, ये कृष्ण का ही नाम है, क्योंकि राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करते हैं रास करते हैं, इसलिए उनका नाम भी राम है कृष्ण का नाम। इसलिए जो महामंत्र है ये राधा कृष्ण का ये जुगल नाम है, इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम उन्होंने श्री जुगल सरकार को राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो ना, राधा कृष्ण कृपा नहीं करते हैं, इसलिए राधा कृष्ण दोनों को घर में रखो, दोनों को रख कर घर में पूजा करनी चाहिए। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक में जुगल सरकार को ही यहाँ पर वंदना करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कहते मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है प्रतिज्ञा, देखो ये भागवत की कितने महिमा, जैसे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, आप अभी कथा सुनने नहीं आए, अभी घर में बैठे हो, लेकिन आपको पता चला भागवत कथा हो रही है, अगर किसकी मन में इतनी सी मात्र इच्छा हो जाए भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, चलो हम कथा सुनने जाएंगे, लेकिन कथा पैंडल में अभी नहीं, घर में बैठे हो, अगर किसकी मन में इतनी सी मात्र किसकी मन में इच्छा हो जाएगा ना, बोले सद्य हृदय अवरुद्धते कृति भी सुश्रुश्रुभि तत्क्षणात्, केवल भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी उसकी हृदय में आकर के ऐसे बंध जाते हैं जैसे मानो एक व्यक्ति किसी घर में घुस करके खुद को खुद अंदर से कुंडी बंद कर देता है, उसी तरह ठाकुर जी इसके हृदय में आकर के
ऐसे बैठ जाते ठाकुर को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, केवल सुनने की इच्छा अगर कोई किसने कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भैया कौन सुन सकता है, बोले सुश्रुसुली साधारण कथा नहीं सुन सकते, साधारण व्यक्ति भागवत कथा में नहीं बैठ सकते हैं। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्य, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म से कोई पुण्य उदय हुआ हो वही व्यक्ति ही भागवत कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमने तो इतने पुण्य की नहीं, आप कहते हैं जो करोड़ों करोड़ों का जन्म से पुण्य उदय हो तो कथा सुनेगा, लेकिन हम तो पापी है क्या कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए उदाहरण दिया धुंधुकारी, अब सुन रहे थे ना, ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, पिता माता को इतने परेशान किया, पिता तो घर बार को छोड़ गए, मैया को इतने कष्ट दी, मैया कुएं में छलांग लगाए, छह छह बेसिया को बुलाकर घर में रखा, उनके लिए गुंडा गिरदी चोरी की, लास्ट में छह छह बेसिया ने उसको मार डाले, उसको खत्म कर दिया, प्रेत बन गया, प्रेत बन गया। लेकिन जब उनको पिंड कहते 100 बार पिंड देने पर भी उधार नहीं होगी, लेकिन उधार हुई कैसे, ये भागवत कथा से। इसका तात्पर्य यह है हम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, एक बार आओ ये भागवत कथा में बैठ जाओ, अगर एक प्रेतात्मा को अगर कल्याण हो सकती है, हम तो साक्षात जीवात्मा है, हम तो साक्षात जीव है, फिर हमारी क्या उधार नहीं होगी, जरूर ये भागवत कथा से हमारी मुक्ति हमें जरूर मिलेगी। एक बार भागवत की जयकार बोलो, बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जयकार में आनंद नहीं आता, इतने लोग बैठे हुए हैं, झगड़ा हो ना इसी कोने में, दूसरे कोने में पता चलेगा इसी घर में झगड़ा हो रही है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, लेकिन आप जयकार दे रहे हो मेरे तक भी आवाज नहीं आ रही। अरे इतना लोग बैठे, अगर इतने जोर जयकार दे पैंडल उड़ जाए आकाश में। जोर से बोलो, बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। हाँ अभी पता लग रहा है किस कथा हो रही है। इसलिए भागवत कथा केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही प्रभु हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, 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 इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा को कौन सुन सकते हैं, आप लोग जो कथा में बैठे हो कौन बैठे हो, कि जिसको ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, भगवान की जिसको ऊपर विशेष कृपा हुई है। बोले पाप देही यह संगत सोई पार्वती, वही लोग ही ये कथा में बैठ सकते हैं। आओ केवल कथा में बैठ जाओ, कथा सुन सुन करके अपने आप हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। हैं कहते भागवत का जो तीसरा श्लोक है, कहते ये आशीर्वाद देता है। बोले भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहा है, देखो कल हम सुन रहे थे ना, आप भागवत कथा में नहीं बैठे हो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। बोले कल्प वृक्ष कहते हैं किसको, बोले जो मांगो, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन देता है, जो रोगी उसे निरोग प्रदान करता है, जिनकी संतान नहीं उनका संतान देता है, हैं? भागवत से जो कुछ मांगो भागवत, अगर कोई सचमुच से 7 दिन एक नियम से अगर ये कथा को सुने, कल मैंने बताया था ना नियम क्या है, पहला नियम है बिना खाए पिए 7 दिन किस कथा सुनो। बोले भैया इस कथा सुन नहीं सकते। बोले नहीं तो 7 दिन तो घी पी बगैर कथा सुनो। बोले भैया 1 किलो घी की 1500 रुपया पैसा इतना कहाँ से लाएगी, ये तो पेट बदला हो जाएगी। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो 7 दिन तक फलाहार करके सुनो। बोले भैया फल भी बड़ी कीमती है, तब भी भूख लगेगी। सबसे बढ़िया बताए
एक बार फलाहार करो और एक बार बढ़िया से भोजन कर लो, एक बार भोजन एक बार फलाहार कर लो, ये सबसे बढ़िया बताया। अगर इसको कोई ब्रह्मचर्य पालन करते हुए झूठ नहीं बोले, किसकी चुगली नहीं करे, साधारण बिस्तरा पर सोए, साधारण भोजन करे, नियम से भागवत कथा सुने ना, ये भागवत सारे इच्छा को आपको पूरी कर देगी। जो कुछ मांगोगे, हमने स्वयं देखा जिनके 25-25-30-35 साल तक इसके बच्चे नहीं थे, भागवत कथा सुने, भागवत को फल रखे और खाए तो इतने दिन बाद में बच्चा हुआ। सारे डॉक्टर जहां फेल हो गए। आप नियम से कथा सुना, जो मांगो ना वही दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक सावधान भी कर देते हैं, बोले क्या सावधान, बोले ये भागवत तो अपने आप सब चीज को दे देगा, किसी चीज मांगने का जरूरत नहीं, सब चीज को ये चीज मांगने का जरूरत नहीं, सब चीज दे देगी। लेकिन ये भागवत से भगवान की भक्ति, ठाकुर को सेवा मांगो, भगवान की प्रेम मांगो, क्योंकि अगर हृदय में भक्ति आ गए ना, सब कुछ तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। अगर प्रभु की भक्ति हो गई, जैसे हनुमान जी, जब भगवान बोले बेटा हनुमान तू अगर नहीं होता तो माता सीता को कोई भी पता नहीं लगा सकता था, आज तुम जो कुछ वर मांगो, दिल खोल कर वर मांगो, आज मैं सब कुछ दे दूंगा। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार वर मांगो हर श्री देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। बोले हे प्रभु अगर आप देना चाहते हो सत्संग दो, भक्तों का सत्संग दो, आपकी चरण की सेवा मिले, भक्ति मिले, हैं मेरे को अनुपायनी अहितु की, हम निष्काम हमें भक्ति प्रदान करो, भगवान उनका आशीर्वाद दिया। देख बेटा जाओ तेरे को मैं भक्ति प्रदान किया, ये बर मैंने किसी को भी नहीं दिया, आज ये बर तेरे को दे रहा हूं, आज से हम तुम्हारे प्रेम में बसीभूत हो गए। हनुमान को बताओ क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया, क्योंकि प्रभु की भक्ति मिल गया। मतलब क्या है, भगवान तुम्हारी अधीन बन गए। कृष्ण कौन है, राम कौन है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, अगर ये तुम्हारी अधीन बन गए, बताओ तुम्हारी किस चीज की कमी रह गई, बाकी रह गई। इसलिए भागवत कहता है ऐसे एक चीज भागवत से मांगो, बटिका चिन्ह ऐसे एक चीज भागवत से मांगो, जो एक चीज मांगो आपको सब चीज मिल जाएगी। कहते वो क्या है, बोले भगवान की प्रेम और भगवान की भक्ति। हाँ देखो एक छोटी सी कथा सुनो अच्छे तरह से। बोले एक समय कोई एक अंधा था, उसने भोले बाबा की आराधना की, अभी भोले बाबा खुश हो गए, बोले बेटा बर मांगो। बोले प्रभु जी मेरे को 3 बर चाहिए। वो पहले ही सोच करके आया था, अंधा था, पहले सोच करके आया था अगर शंकर जी खुश हो जाएंगे तो पहला बर मांगूंगा मेरे को आंख मिल जाए, दूसरा बर मांगूंगा कुछ पैसा मिल जाए, तीसरा बर मांगूंगा किसी सुंदरी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले ही सोच करके आया था। शंकर जी बोले बेटा बर मांगो। बोले प्रभु जी मेरे को 3 बर चाहिए। बोले नहीं मैं 3 बर नहीं दे सकता हूं, जो कुछ मांगोगे एक बर को द्वार मांगना पड़ेगा। सोचने लग गया, वो तो पहले सोच कर आ गया था 3 बर हमें चाहिए। बोले शंकर जी कहते 1 बर मांगो। बड़ा चालाक था, बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को ये बर दो, मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी की पीठ के ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो। समझ गए हो, मतलब राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर कौन बैठता है, राजा महाराजा, सोने की कटोरी में कौन खाता है, राजा महाराजा। बोले क्या, मैंने अपना बेटे को देखू, बेटा कब होगा, जब शादी हो जाएगा, देखेगा कब, जो आंख हो तब तो देखेगा। उन्होंने ऐसे एक बार घुमा फिरा कर मांगे ना, शंकर जी मान गए, भैया तू तो बड़ा चालाक है। उसी तरह अगर भगवान से उनकी भक्ति, अगर प्रेम मांगे ना, भगवान विश्व ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारी बसीभूत हो गए। अगर ठाकुर जी तुम्हारी बसीभूत हो गए तो सब कुछ मिल गया। पिताजी की जैसे अंबानी है, अगर किसी ने अंबानी के घर में जन्म हो गया, बेटा हो गया, सारे संपत्ति का मालिक तो वही है, केवल बेटा होने का बाकी तुम्हारी। उसी तरह जब ठाकुर को तुम लाड़ना बन जाओगे, भक्ति ठाकुर जब तुमको प्रेम में अधीन हो गए, भैया सारे दुनिया का मालिक तो तू ही बन गया ना। इसलिए कहते हैं जो भागवत नहीं, हम सबके सब कल्प वृक्षों को नीचे बैठेंगे। जो 7 दिन तक मांगोगे भागवत आपको वही देगा। लेकिन भागवत ये भी सावधान करता है,
छोटे मोटे चीज ठाकुर से मत मांगो, ये तो अपनी आप हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगा ना। कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा, नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर उसकी कृपा होगा तो सब कुछ तुमको मिल ही जाएगा उसी कृपा से। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए यहाँ पर कहते बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालय मोहरह रसिका भूमि बाबुदा। बोले ये भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। एक तो पका हुआ फल है ही है, फिर उसमें सूख मतलब तोता ने उसको चोच मारी। चोच तोता को पता है कौन सा मीठा फल कौन सा कच्चा फल, कच्चा फल उसको पता है। ये भागवत एक तो मीठा फल, दूसरी बात आती है अगर किसी ने तोता अगर चोच मार देना उसमें मिठास आ जाती है। भागवत तो मीठा मीठा है ही है, ये तो साक्षात रस स्वरूप भागवत है। लेकिन जब ये कथा श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखारविंद से निकली उसमें और भी मिठास आ गया। बोले क्यों? बोले ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया। ये कोई साधारण सुखदेव नहीं, कल सुन रहे थे ना ये राधा रानी की प्रिय तोता है, जो राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले, जिनको स्वयं राधा रानी चुंबन करती थी, राधा जी के अधरा मृत उसको थोट में लगा हुआ है और राधा रानी की समस्त लीलाओं को दर्शन किया। ये राधा रानी की एक सखी है। साधारण व्यक्ति अगर कोई कथा बोले इतने इसमें इतने मिठास है, अगर राधा रानी की कोई सखी कोई मंजरी अगर कथा सुनाएगी आप बताओ उसमें कितना मिठास नहीं होगा। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली उसमें और भी मिठास आ गया। इसलिए क्या कहते हैं भैया, क्या पी वतम, खूब पियो रस को, जितना हो सकता है इसको पियो। बोले भैया पहले आप बताया फल है, ये कल्प वृक्ष का फल है, आप बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। फल को खाते हैं ना फल को पीते हो? खाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते पियो। भैया बोले आप तो फल बताया फल को तो खाते हैं। बोले ये ऐसे के फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं जिसमें छिलका भी नहीं जिसमें रसी रस है, जिसमें रसी रस है। जैसे कोई रस को जब हम पान करते हैं आप बताओ तो किधर से पान करते हो? जब कोई चीज को पीते हो किधर से पीते हो? बोलो बोलो जोर से, मुंह से। लेकिन अभी जो रस को पान करते हो किधर से पान कर रहे हो? कहां से? कानों से। कभी ये ऐसे एक रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, जिसको कानों से पी जाती है। लेकिन ये मुंह और कान में पीने का फर्क क्या है? देखो ये चीज को समझो, कोई भी चीज अगर मुंह से पियोगे अंदर में रख पाओगे वो निकलेगा, वो निकलेगा, उसको अंदर में नहीं रख पाओगे। अगर कोई चीज को कानों से पियोगा ना वो कभी निकलने वाला नहीं। जैसे कथा रस को पीते हो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा नहीं। इसलिए कहते भैया ये रस को मुंह से मत पिया करो, कहां से पियो कथा को? कानों से पियो। बोले भैया पीते तो खूब लेकिन निकल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर में बड़े छह छेद है, काम है क्रोध है लोभ है मोह है, ये सब के सब निकल जाती है, टिकती नहीं, ये टिकती नहीं। इसलिए एक उदाहरण देकर बताए। हाँ, आप लोग एक प्रश्न करता हूं उत्तर दो, ध्यान दे सुनो, देखता हूं कौन उत्तर दे पाएगा। जैसे कि कलसी है, कलसी में छेद ही छेद है, अच्छे तरह से सुनो, जो उत्तर देगा उसको मैं इनाम दूंगा। लेकिन हमारे जो भक्त लोग भूलना नहीं कोई, इसलिए उसमें कलसी इसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो अगर पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा, जितने छेद क्यों ना उसमें एक बूंद भी नहीं निकलेगा। ऐसे कौन सा उपाय है भले ही जितने छेद हो उसमें निकलने वाले नहीं? बोलो कौन बताए, बोलो कौन बोले? दिल में तो अच्छी बात है, बोलो। हाँ बोलो, कहां से डूब जाएगी? हाँ ये माता के लिए ताली बजाओ दूर से। देखो देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात समझा है,
अगर कलसी में छेदी छेद है, अगर वो कलसी को पानी में पूरा डुबो करके रख लोगे ना, फिर वो छेद से पानी निकलेगी। क्यों? वो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है, उसमें निकलने वाले नहीं। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये चीज को अच्छे से समझ करके कितने अच्छी बात समझाते हैं। इसलिए कहते मोहरा हो रसिका भूभी भागुका। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुहूर्त हो मतलब हर समय अगर ये कथा रस में डूबे रहोगे, अगर कथा रस में डूबे रहोगे, सुनते रहोगे ना, भले ही तुम्हारे हृदय में जितने काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो, हृदय से एक रस भी निकलने वाले नहीं। अभी जैसे समझो, जैसे कथा रस में हम बैठे हैं, हम सभी का हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह सभी का हृदय में है, लेकिन आपको कोई काम क्रोध लोभ कोई सता रहा है क्या? अभी कोई काम क्रोध लोभ आपको याद आ रहे हैं? कुछ भी याद नहीं आ रहे। क्यों? कथा रस में डूबे हुए। लेकिन ये कथा से केवल थोड़ी सी निकल जा, कैंडल से बाहर निकल जा, जितने ईर्षा द्वेष कलह हाँ हृदय में सबके सब काम क्रोध आना शुरू हो जाएगा। क्यों? अपने कथा रूपी रस से निकल गए। इसलिए यहाँ पर कहते भैया हर समय कथा रस में डूबे रहो, निकलना नहीं कथा से, फिर तो क्या होगा, कभी भी तुम्हारी जितने छेद क्यों नहीं हो वो निकलने वाले नहीं। बोले कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले केवल दो व्यक्ति कथा सुन सकते हैं, जो रसिका और जो भावुक है, मतलब जो विशेष भाग्यवान व्यक्ति ही ये कथा रस को वही पान कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले आबत यही सारा अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आबत यही सारा अति कठिनाई, आबत यही सारा अति कठिनाई। हरे मैंने कल बताया था जो ताली बजाएगा ना उसको चार ही फायदा होगा। कितना फायदा होगा? क्या क्या बोलो? कल मैंने बताया था ना आपको, सब भूल गए, दो लाभ बताया था। देखो ध्यान देकर सुनो, आज बता रहा हूं कल आपसे सुनूंगा। जो ताली बजाएगा कीर्तन में, एक संत दूसरे संत से पूछते हैं, बोले भैया कहीं भी जाओ सत्संग में, कहीं भी जाओ बोले ताली बजाओ ताली बजाओ। एक ने पूछा ये बताओ ताली बजाने से क्या होता है क्या? दूसरे संत ने बोले जो ताली बजाता है ना उसकी पाप उड़ जाती है। बोले उड़ तो जाती लेकिन जाकर के बैठती है कहां पर? जो ताली नहीं बजाता है, जो ताली नहीं बजाता है। इसलिए जो ताली बजाएगा उसका तो पाप तो उड़ जाएगी। तुलसीदास उदाहरण देते हैं, जैसे आंगन में गेहूं सुखा रहे हो, दाल सुखा रहे हो, कोई चिड़िया आकर के चुग रहा है, क्या करते हो भगाने के लिए? ताली बजाते हैं ना, क्या होता है, वो चिड़िया उड़ जाती है। जब हम प्रभु की भक्ति कथा सुनते हैं, ये पाप रूपी चिड़िया आकर के हमारे सार के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन जब ताली बजाओगे ना फिर ये पाप रूपी चिड़िया भी उड़ जाती है। कहती है पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या है? देखो जैसे अगर संसार में बहुत ज्यादा दुखी दुखी, किसी तरह से दुख जा नहीं रहा है, हम किसी ज्योतिष को पास में जाते, बोले भैया देखो तो ये दुख क्यों नहीं जा रहे, एक बात दुख आती जा रही, क्यों नहीं जा रही? अब बताओ ज्योतिष क्या तुम्हारे दुख दूर कर देगा? क्या ज्योतिष तुम्हारे दुख दूर कर देगा? नहीं कर सकता है।
लेकिन वो दुख को दूर कौन कर सकता है? ठाकुर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान है, वो ईश्वर है, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। लेकिन जब आप ताली बजाओगे ना, हम ताली कब बजाते हैं? कहते ना इसकी स्वागत में ताली बजाओ, किसकी स्वागत में ताली बजाओ। यहाँ पर जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो? बोलो ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी के लिए आप ताली बजा रहे हो। लेकिन जब कथा में कोई ताली बजाओगे ना, तुम्हारी भाग्य रेखा अगर थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो, इधर उधर हो, ठाकुर का कृपा से आपका भाग्य रेखा बदली जाएगी। अब स्वयं देख लो, अगर तुम्हारी भाग्य रेखा इधर उधर है ना, घर में बैठ कर ताली बजाते हो, तेरा कीर्तन कर लो, देख लेना तुम्हारी घर का अमंगल भी दूर हो जाएगी, ये भाग्य रेखा भी ठाकुर बदला देंगे। विश्वास है कि नहीं ठाकुर जी के ऊपर तुम्हारी? है कि नहीं विश्वास? ये काम को करके देख लो। और जो चौथा लाभ होगी ना, चौथा लाभ क्या, जैसे एक्यूप्रेशर नाम, एक्यूप्रेशर नाम सुने होंगे हैं, जैसे वो लोग जैसे रामदेव बाबा का योगा देखे होंगे, बोले यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, ये दबाने पर कहीं कैंसर सही होगा, कहीं हार्ट अटैक होगा नहीं, कहीं तुम्हारी डायबिटीज सही होगा, तुम्हारी कहीं हाई प्रेशर, बोलता ना यहाँ यहाँ दबाओ। आप जब ताली बजाते ना, सारे हाथ का पॉइंट से दबती है, सारे पॉइंट से दबती है, जो जितने जोर से ताली बजाओगे तुम्हारी इतना बीमारी भी दूर होगी है। आप देखना थोड़ी समय ताली बजा लो ना, शरीर में ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, एकदम शरीर सतेज हो जाएगी। बजा करके जोर से देखो, इसलिए मेरे पीछे पीछे जोर से बजा करके देखना, जो जितने जोर से ताली बजाएगा भाग्य रेखा उतना बदलेगा, जो जितने जोर से ताली बजाएगा बीमारी उतना सही होगी, जो जितने जोर से ताली बजाएगा पाप रूप चिड़िया भी उड़ जाएगी। इसलिए जोर से बजाओ, बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, अभी ये घोर कलयुग आ गया। अभी सौनकादि ऋषि लोग श्री ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलयुग से हम बचेंगे कैसे? बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना इस स्थान पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करो तुमको कलयुग तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। अभी सौनकादि ऋषि लोग हजार सालों से तपस्या कर रहे थे, वहां पर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन करते 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 उनका हृदय तक भी जल गई, लेकिन मन में कोई शांति सुख नहीं।
एक दिन श्री सुतो गोस्वामी वहां पर आते हैं, तब उन्होंने सुतो गोस्वामी को देख करके आसन दे करके बैठाए, बोले हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से समस्त वेद पुराण इतिहास को आपने अच्छे तरह से अध्ययन किया है, आप कृपा करके बताओ जो कलिजुग है प्राय करके लोगों का परमाय कम है, क्योंकि सत्ययुग में लोग 100,000 साल रहते थे, तृतीया युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल, कलयुग में 100 हो गया, धीरे धीरे परमाय बढ़ते घटते जा रहे हैं, अभी तो 100 साल अभी कोई जिंदा नहीं रहते, क्योंकि अभी सब चीज हाइब्रिड देकर बनता है, कोई प्योर चीज मिलती नहीं यहाँ पर है, इसलिए लोगों का परमाय धीरे धीरे घटते जा रहा है, इसलिए फिर कलयुग में ही बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग झुप ध्रुता, कलयुग में स्वाभाविक रूप में इनका जो मन है, देखो हमको भक्ति करने के लिए क्या करते हो, स्नान करते हैं, ठाकुर को सामने बैठते हैं कि नहीं, थोड़ी समय प्रभु का नाम जप करे भजन करे, जैसे 10 मिनट बैठोगे ना, देखना 1 मिनट भी भजन में मन नहीं लगता, 1 मिनट भी भजन नहीं, बैठते ही दुनियादारी सारा दुनिया देखेगा लेकिन ठाकुर ही नहीं दिखता। फिर कलयुग में फिर क्या आ गया, पहले तो टीवी होता ही नहीं, स्मार्टफोन नहीं होता था, लोग गीता रामायण भागवत पढ़ते थे, अभी समय होते टीवी खोलकर बैठ जाते, कलयुग में यही रामायण महाभारत है, टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, इसलिए कलयुग में फिर कलयुग में बोले अत्यंत मंदबुद्धि, फिर कलयुग में जीव का जो भाग्य है वो खराब ही भाग्य है, अगर कोई स्त्री कहते बड़ा उपद्रव है, जैसे आप लोग माताएं 7 दिन तक कथा सुनोगे, अगर 7 दिन के अंदर में अगर भक्ति की रंग अगर चढ़ गई, अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, थोड़ी सी माला जपना, गले में कंठी तिलक लगाओ, पति क्या बोलेगा, बोले कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़ गई तू है, पहले समय होता तो बोलती थी चलो सिनेमा चलो घूमने चलो, अभी बोल दो वृंदावन चलो सत्संग में चलो, अगर कोई भाई लोग आए अगर कथा सुने, अगर इनको पर थोड़ा रंग चढ़ गई तो, अगर थोड़ी सी भागवत गीता पढ़े, पत्नियां क्या बोली कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला और गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, इसलिए कलयुग में इतनी उपद्रव है, बोले आप कृपा करके बताओ जिनका कल्याण कैसे होगा, इसलिए यहाँ पर सौनकाद ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किया, और जो 6 प्रश्न का जो ये उत्तर है ना, ये पूरी की पूरी ये भागवत 6 प्रश्न का उत्तर है, आप लोग अच्छे तरह से सुना, ये 6 प्रश्न किया है, जो पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसको याद रखना कल मेरे को बोलना, ठीक है, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, अच्छे तरह से सुना, पहला प्रश्न क्या है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, देखो ना संसार में हम जो कुछ करते हैं किसलिए करते हो, शांति के लिए, इसलिए करते हैं ना सुख शांति मिले, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, जैसे घर में एक कोई समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाए शांति मिलेगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो गई नहीं दूसरी समस्या आ गई, फिर सोचते हैं किसी तरह से ये समस्या हल हो जाए भैया चैन मिलेगी, देखना दूसरी समस्या भी गई नहीं तीसरी समस्या खड़ी, समुद्र देखो समुद्र कौन देखे देखे नहीं ना, देना एक बात में एक लहरी, एक बात में एक लहरी, एक बात में एक लहरी, खत्म नहीं होता, ये खत्म होते ही दूसरा आ जाती है, ये संसार में एक दुख के बाद में दूसरे दुख तीसरी दुख आती जाती है, खत्म नहीं होता है, लेकिन इनका प्रश्न है देखो अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो, यहाँ पर सारे उत्तर यहाँ पर दिया है, अगर इसको जीवन में उतार दोगे ना जरूर तुम्हें शांति मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये भागवत कहता है, पहला प्रश्न क्या है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, बोले दूसरी प्रश्न क्या है शांति मिलेगी कब, जब भगवान मिलेंगे, जब ठाकुर जी मिले ना तभी तो जीवन आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो शांति मिलेगी नहीं, माता जी वहीं पर रख लो, वहीं पर रख लो, इसलिए तभी शांति मिलेगी जब जीवन में हमें भगवत प्राप्ति होगी, तभी तो शांति मिलेगी ना, शांति मिलेगी कैसे, इसलिए दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के बगैर किसी को अभी तक शांति मिली नहीं, किसी को शांति नहीं मिली, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं
बिनो हरि भजन न भवत हरिय, ये सिद्धांत अप्रेम। जब तक जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो तब तक जीवन में कभी सुख मिल भी नहीं सकता तुम्हें। शांति तो प्रभु की चरण में ही है और कहीं नहीं, लेकिन ये हमारे हृदय में एक भावना भाव बैठी हुई। क्या बैठी हुई है? शायद ज्यादा पैसा होने पर शांति सुख मिलेगा, है ना? हमारे मन में यही बैठा है ना। शांति कब मिलेगा? जब ज्यादा पैसा हो जाए। आप पूछ लो जितने बड़े बड़े पैसा वाले, तुम सुखी हो? रावण का नाम सुने होंगे। तुम्हारे घर में कितने पैसा होगा? कितने सोने चांदी? 10 किलो है? किसको घर में 10 किलो सोने है? 20 किलो है? लेकिन रावण का पूरा लंका ही सोना, लंका ही सोना ही सोना उसकी लंका। सोचते हैं किसी अच्छी छोरी से, लड़की से शादी होने पर शांति मिलेगी, जिसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या है? जिसकी कमर बड़ी पतली। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए गए, उन्होंने तो मंदोदरी को देख करके भ्रमित तो हो गए, यही तो माता सीता नहीं, इतनी सुंदरी। एक स्त्री थी नहीं उसको पास में, पता कितना स्त्री, कहीं भी स्वर्ग में हो गंधर्व लोक में हो कहीं भी उसके सुंदरी से सुंदर स्त्री मिला, जो जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर पत्नी बना कर रखा था। कितने पत्नी, जिसकी 1 लाख, जिसकी बच्चे 1.25 लाख नाती, इतने। फिर सोचते हैं अगर छोरा अगर अच्छा हो जाए, बेटा अगर हो जाए शांति मिलेगा। जिसका बेटा का नाम था मेघना, कितने बेटे आज्ञाकारी हैं। ये सारे चीज उसको पास में था, जिसके घर में स्वयं पवन देव झाड़ू लगाते थे। हनुमान जी को जो बांध करके ले गया ना, देखा उसको पिताजी घर में झाड़ू लगा रहा है, अग्नि घर में कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, काल को तो पैर को नीचे दबा कर बैठा हुआ, सारे देवताओं को तो घर में बांध कर रखा हुआ। लेकिन शंकर जी को स्तुति करता है, हे भोले बाबा कदा सुखी भवाम, यहां जीवन में शांति नहीं, जीवन में सुख नहीं। इसका मतलब क्या? ये संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें शांति सुख दे नहीं सकते। क्यों? ये संसार में जितने वस्तु है सबके सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, ये अनित्य वस्तु है। जो अनित्य वस्तु कहां से नित्य शांति सुख दे सकता है? संसार में सब दुखी है, जब स्वयं व्यक्ति कोई दुखी है तुमको सुख कहां से देगा तुमको? इसलिए इनका दूसरा प्रश्न है, क्या है? आत्मा को शांति मिलेगी कैसे? दूसरी प्रश्न, भगवान को कलयुग में पाने का सबसे सरल उपाय किया? इसलिए लंका में देखना, सबके सब तो बेचैन में रह रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर चैन से जी रहा था। बताओ तो वहां पर कौन चैन से जी रहा था लंका में? बोलो, कौन बोलेगा जोर से बोला। आप लोग के लिए ताली बजाओ जोर से। आप लोग पंडित सब बैठे हुए, सचमुच से वहां पर विभीषण चैन में था। बोले क्यों चैन में था? राम की शरण में था। इसलिए लंका ने, हनुमान ने पूरा लंका जला दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर में आग नहीं लगाए। किसको घर में? विभीषण। मतलब क्या है? जो प्रभु की शरण में आ जाए ना भैया, वही बचेगा। जो प्रभु की शरण में नहीं आएगा वो बच नहीं सकता है। इसलिए प्रभु की शरण में, आप रामायण देखे होंगे, जब विभीषण प्रभु राम की शरण में आए, विभीषण प्रभु से प्रार्थना किया, किसको? रावण से। माता सीता जगदम्बा जग जननी, आप उसको वापस दे आओ। लेकिन रावण क्या किया? विभीषण को लात मार कर भगा दिया। लेकिन विभीषण ने क्या कि उसने विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। जब राम की शरण में आए, आप लोग रामायण देखे होंगे, अभी रावण को प्रभु मारे ही नहीं, रावण को मारे ही नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं विभीषण को लंकेश। क्या बोले? लंकेश। इतने में विभीषण कहता है, प्रभु आप मेरे को लंकेश कैसे कह रहे हो? लंकेश कौन है? रावण लंकेश है। इतने में विभीषण यहां पर श्री सुग्रीव कहता है, बोले प्रभु आप इसको लंकेश कैसे कहते हो? अगर 1% रावण अगर आपकी शरण में आ गया, आप इसको बोले हो लंकेश, फिर रावण को क्या दोगे? देखो ठाकुर जी कितने दयालु, के बोलो प्रभु की शरण में आ जाओ कितने महत्व है। आप रावण को क्या दोगे? भगवान बोले इसको मैं अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या तो आप भरत को दे करके आए हो, फिर आप भरत को क्या दोगे? बोले भरत को अपना वैकुंठ दे दूंगा, अपना वैकुंठ दे दूंगा। बोले प्रभु
आप विभीषण को दे दिया लंका, रावण को दे दिया अयोध्या, भरत को दे दिया वैकुंठ, फिर आप कहां रहोगे? आप कहां रहोगे? आपके लिए तो कोई स्थान चाहिए कि नहीं? देखो ठाकुर जी कितने दयालु, केवल ठाकुर की शरण में आ जाओ, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल प्रभु की शरण में आ जाओ, बोले मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं, मेरा स्थान तो मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं तो वही रहता हूं जहां मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, भक्तों का हृदय में ही मैं निवास करता हूं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इतने दयालु, इसलिए इनका जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या? तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान की कथा सुनाओ, कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, भगवान की जितने अवतारों की कथा सुनाओ। पंचवा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जस की बात सुनाओ, कृष्ण कैसे गिरिराज उठा लिए, कृष्ण कैसे सतकर्ण गोपियों के साथ में प्रभु रास कैसे रचाए, प्रभु की कितने महिमा है। अजामिल ने केवल अपना बेटे के लिए, उन्होंने एक बार सिरे नारायण नाम बोल दिया बेटे के लिए, प्रभु के नाम में कितने महिमा है, बेटा का नाम नारायण लिया तो मुक्ति। इसलिए भगवान के नाम की महिमा, भगवान की जस की महिमा। छठवां प्रश्न है, भगवान जब जगत छोड़कर चले गए, कलयुग में धर्म कहां पर आश्रय लिया? जब उन्होंने ये प्रश्न की, प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी का हृदय गदगद हो गया, बोले वाह तुमने कितने सुंदर प्रश्न की। बोले पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारी प्रश्न को उत्तर दूंगा। बोले बंदो गोरो पद पदो मा परागा, बंदो गोरो पद पदो चरण में प्रणाम करते हैं। बोले मेरे गुरुजी साधारण व्यक्ति नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी, साधारण बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, मेरे गुरुजी तो 16 साल तक रहे, गलना नहीं चाह रहे थे। इतने में श्री प्यास थे, बोले बेटा गर्भ से निकल करके आ जा, मैया को इतने कष्ट क्यों दे रही हो? बोले नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मातृगर्भ में जब बच्चे को 7 महीना हो जाए, हजार हजार जन्म की बात याद आता है, मां की पेट में आना गटर में आना बराबर है, गटर समझते हो, जहां टाटी पेशाब जा रही है, ये मां की पेट भी एक गटर है जिसमें टाटी पेशाब का थली, पेट में इतनी गर्मी, आज अगर रसगुल्ला खाओ ना कल बिस्टा बन करके निकलता है, इतनी गर्मी पेट के अंदर में, बच्चे को 9 महीना तक सर नीचा पार ऊंचा करके उसको रहना पड़ता है। जब पेट में बच्चे हो, माताओं को पता होगा कैसे चटपटी चीज खाने की इच्छा करता है, नमकीन खट्टा मीठा मिर्च मसाला, बच्चे का शरीर बहुत कोमल रहता है, कभी कभी तो उसकी चमड़ा भी नहीं आता है, जब ये सब चीज माताएं खाती गरम गरम चाय भर पीती है, ये बच्चे को शरीर में बड़ा कष्ट होता है। भगवान खुद कहते माता को, बोले पेट में जो अवस्था बच्चा कभी जिंदा नहीं रह सकता है, इतनी गर्मी, लेकिन उसको पाप का फल भोगने के लिए उसको रहना पड़ता है, हजार जन्म की बाद उसको याद आता, भगवान को पुकारता, ठाकुर जी ये नरक से मेरे को निकालो। बोले क्या करोगे? बोले मैं तो सोच रहा था ये परिवार मेरा, लेकिन जिनके लिए मैंने झूठ बेईमानी करके पैसा कमाए, वो पत्नी कहाँ, वो पति कहाँ, वो बच्चे कहाँ हैं? सारे कर्मों का फल मेरे को अकेला लेना पड़ रहा है, एक बार केवल मेरे को निकाल दो गर्भ से, मैं कसम खाता हूं कभी भी ये माया संसार में मैं फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा। यही बच्चा कसम खा करके वो मातृ गर्भ से आता है,
भगवान कहते हैं तुम बोलते तो भजन करोगे लेकिन ऐसे नहीं, ये दुख पा करके बोलते हो भजन करोगे, ऐसे नहीं जब जन्म दे दूंगा फिर भूलते नहीं जाओगे। बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। भगवान बोले अगर भूलोगे नहीं ना बीच बीच में मैं तेरे को याद भी दूंगा। बोले क्या याद दोगे? सब ध्यान देकर सुनो, ये बड़ी तत्व की बात है, अच्छे तरह से सुनो ये चीज चीज को। हम लोग ने मातृगर्भ में क्या कसम खा करके ठाकुर जी से आए, अच्छे तरह से सुन लो, इससे तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। भगवान कहते अगर तू भजन नहीं करोगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? देखो अच्छे तरह से सुना, कल क्या वार्निंग दोगे? बोले पहले जब एक बाल पक जाए ना, मेरे फर्स्ट वार्निंग है। आप लोग ध्यान लगा करके देखना, जब ये बाल पकती है कहां से पकती है? ये कान को पास में ही बाल पकती है। बोले कान में पहला बेल दे दिया सावधान, तो भगवान से वायदा करके आया था ना भजन करोगे। कितने भजन कर रहे हो और कितने समय टीवी खोल कर बैठती हो और कितने समय इधर उधर की बात करते हो, ये पहला वार्निंग है। आप देखना जब एक बाल पक जाती है ना, हम ये बाल को उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, हमें कुछ नहीं हुआ अभी हमारे। भगवान फिर दूसरे वार्निंग देते हैं। बोले क्या देते हैं? जब देखना जब खिचड़ी बन जाए ना, बाल जब खिचड़ी बन जाती है पहले तो एक एक करके उखाड़ते हैं, लेकिन जब खिचड़ी बन जाती फिर मेहंदी लगा कर कलर कर देते हैं कि थोड़ी अभी बूढ़ा बूढ़ी हुई, हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर आंखों में कमजोरी आ जाती है। बोले बढ़िया चश्मा पहन लेते हैं, हीरो बनते हैं। भगवान कहते फिर तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले एक एक कर दांत तोड़ना तुम्हारी प्रारंभ करूंगा। लेकिन बढ़िया डेंटिस्ट को पास में जाकर के बढ़िया दांत लगा लेते हैं। बोले हमारे कुछ भी नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो पैर से तीन पैर हो जाएगा, मतलब डंडा पकड़ना शुरू करोगे, डंडा लेकर के धीरे धीरे चलोगे। अगर फिर मेरे वार्निंग नहीं सुनोगे ना, भगवान कहते फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं देता हूं, पहले राम नाम सत्य है, फिर तो शरीर छूट जाती है। आप देखना शरीर जब छूट जाए, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना। ये किसको सुना रहे हैं? वो जो ऊपर में जो लेटा हुआ व्यक्ति उसको सुनाते हैं। बोले बेटा जिंदगी में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जितने जगत में जो किए हो एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ कोई नहीं जा रहा है। एक सुई धागा भी पत्नी जाएगी तो रो रो कर कहां तक जाएगी? वो दरवाजा तक जाएगी, आगे पत्नी नहीं चलेगी। परिवार वाले जाएंगे तो कहां तक चलेंगे? शमशान तक जाएंगे, उसको आगे तुम्हारे साथ में कोई चलने वाले नहीं। इसलिए आगे जाएगा तो क्या जाएगा? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को धीम रे सदगुरु कृपा करे अपना आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है जीवन में क्या मिलता है? बोले जितने राम को और कृष्ण का नाम लेते हैं वही जीवन में मिलेगा, और जगह में सब ही खोवायो, जगह में सब ही खोवायो, जगत में सब कुछ जाता है, हैं? इसलिए यहाँ पर मातृगर्भ से ये बच्चा भगवान से कसम खा करके आता है। बोले प्रभु मेरे को एक बार के बोले चांद से दो, पेट से निकाल दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उठते बैठते सोते तेरा नाम करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है जो करने के लिए आया वही नहीं करता है, और जो नहीं करने के लिए आया ना उसको दिन भर उसको पीछे पीछे लगाऊंगा, यही बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को पोटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को, भजन के लिए ही भगवान जीवन दिया। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये 84 लाख जीवन के बाद में तुम्हें यो कोहिनूर हीरे तुमको मिला, ये मानव शरीर नहीं ये कोहिनूर हीरे में तुमको दिया। अगर ये जीवन को अगर तुमने पाई न जई पर लोक सवारा, अगर ये जीवन पा करके भजन नहीं किया फिर तो सिर पिटते रह जाओगे, तेरे को ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। जैसे अंबानी है, मानो डॉक्टर बोल दिया इसका अंतिम श्वास इसका, उसका परिवार बोलते हैं तेरे को 4 कोहिनूर हीरे देते हैं, इसकी 4 श्वास वापस ले आ,
बताओ डॉक्टर ले आएंगे उसका चार श्वास वापस? नहीं ला पाएंगे। इसलिए मानव शरीर का एक एक श्वास एक एक कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महत्व है, ये भगवान राम कह रहे हैं। क्यों? ये जो जीवन है इसी जीवन मुक्ति का दरवाजा पर हम पहुंचे हैं, मुक्ति के द्वार पर हम पहुंचे हुए 84 लाख जन्म के बाद में। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया ये जीवन को ऐसे मत गमाया करो, ये जीवन को ऐसे मत गमाया करो। ये श्वास श्वास की तभी सार्थकता है अगर हर श्वास में हमारे ठाकुर जी का नाम अगर निकले, तभी ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए सबके सब मेरे पीछे पीछे बोलो, हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो सबके सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री सुत गोस्वामी पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रघक सजे, आहय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। बोले आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगी, संप्रसीदति मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे थोड़ी समय के लिए कोई सुख मिला, आप देखना थोड़ी देर बाद में वो सुख कहीं गए पर दुख आ जाता, फिर कोई थोड़ी समय के लिए फिर कोई सुख मिला, थोड़ी समय के बाद फिर गए फिर दुख आ जाता है। लेकिन संप्रसिद्धि मतलब होता है ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने पर कभी दुख आएगा नहीं, कभी जीवन में दुख उसकी आएगा नहीं। बोले कब नहीं आएगा? बोले तभी नहीं आएगा। बोले सबई पुंसांग परो धर्म, कहते जीव मात्र का धर्म किया है? बोले जीव होकर बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है सबके सब हम ईश्वरी के अंश है, हम सबके सब ठाकुर के बच्चे है। कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, भगवानी हमारी पिता माता सब कुछ है, हम अमृतस्य पुत्र हम अमृत के पुत्र है। लेकिन दुख कष्ट का कारण क्या है? हम भगवान को भूल गए, ठाकुर जी को असली पिता माता को हमने भूल गए, तो ये संसार रूपी कारागार में आकर के तन से दुखी मन से दुखी धन से दुखी तरह तरह का दुख कष्ट का भोग कर रहे। लेकिन शांति मिलेगा क्या फिर जब यही जीव ठाकुर जी की शरण में चले जाए, जैसे हनुमत लाल प्रभु राम की शरण में है, राम की सेवा करते हैं हर दिन रात, रघुपति राघव राजा राम और पति पावन सीताराम, आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते हैं अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो क्या करो? प्रभु की शरण में चले जाओ, प्रभु की। केवल जैसे विभीषण ने अभी रावण को मारे ही नहीं, जो लंका को पाने के लिए रावण 10 बार उनके सर को काट करके चढ़ा दिया था, कितने कष्ट से लंका को प्राप्त किया, लेकिन विभीषण को कुछ भी करना नहीं पड़ा, केवल प्रभु राम की शरण में आ गए। तो भगवान क्या बोले थे? बोले लंकेश आज से तुम लंका की राजा बन गए हो, बस इतना करो प्रभु की शरण में ही, केवल प्रभु का शरण में आ जाओ, इसलिए तब हमें पूर्ण शांति मिलेगी। जो दूसरा प्रश्न था कलयुग में फिर प्रभु मिलेंगे कैसे, आप तो बोल दिया प्रभु प्राप्ति से ही शांति मिलेगी, लेकिन कलयुग में भगवान मिलेंगे कैसे, इसका तो उत्तर दो। बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम का जरूरत नहीं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, कली युग के
पहले कलयुग में ठाकुर जी को पता है, सत्य युग में कठोर तपस्या करते थे, कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर सकता है। त्रेता युग में रोज यज्ञ करना पड़ता था, कितने हजार रुपया खर्चा करना पड़ता था, बोले वो भी कली का जीव नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग में अर्चना पूजा के लिए शहद घी दूध चंदन और अगुर कर्पूर लाओ, कहाँ से लाएंगे कली युग में? अपना खाना ही नहीं जुटा पाते हैं, लाएंगे कहाँ से? इसलिए ठाकुर को पता है कली युग में ज़्यादा जीव परिश्रम नहीं कर सकते हैं, बोले ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम जप करो बस इतने। जैसे अभी भगवान का नाम जप करते हैं, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कोई पैसा लगा उनको, कोई परिश्रम मिला? कुछ भी नहीं मिला, बिना पैसा के। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो कितना अच्छी बात कहते हैं, बोले कितने सारे नाम, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने, और भगवान कलयुग में क्या किया, सारे शक्ति प्रभु अपना नामों में दे दिया, सारे शक्ति। इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम है, सारे शक्ति दे दिया। फिर भगवान कहते हैं नियमित स्मरण नकाल, मैंने ये नहीं बताया, देखो जब पवित्र हो तभी मेरे नाम ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में मेरे नाम नहीं ले सकते। भगवान ये भी नहीं बताया, भगवान ये बताए नहीं बताए, लेकिन भगवान बड़े दुखी होकर एक बात को कहते हैं, लेकिन तब भी कलयुग में जीव हरि का नाम नहीं लेते, हरि का नाम तो नहीं लेते। इतने सरल कर दिया ठाकुर जी, कलयुग में इतने आसान उपाय हैं कि तब भी कलयुग में जीव भगवान के नाम को नहीं जप करते। इसलिए क्या करो, कलयुग में भगवान की हाथों में जो कुछ करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले भगवान की दरबार, ठाकुर जी की मंदिर में। जैसे गोपियां घर में तो थी, गोपियां थोड़ी त्यागी कोई साधु संत थी। भागवत में जितने कथा आप सुनोगे सारे गृहस्थों का कथा है, अंबर सिंह महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, ये कोई साधु संत कोई त्यागी संत नहीं थे, ये सब घर में रहते थे, लेकिन घर में रहते हुए भी प्रभु का भजन करते थे। इसलिए जो कुछ करते हो हाथों में, जैसे रसोई बनाते हो, बोले किसके लिए रसोई बना रहे हो? बोले ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी की भोग लगेगा। बच्चे को लालन पालन कर रहे हो, बच्चे किसने दिए? बच्चे किसके? ठाकुर जी के बच्चे हैं, ठाकुर ने तो बच्चे दिए है ना। जैसे गोपियां घर में रहती थी, बच्चे को थपथप लगा कर सुलाती थी, घर हाथ में सेवा करती थी और मुंह में ठाकुर जी की नाम लेती थी, बस हो गया। और क्या, कलयुग में इतने ठाकुर जी सरल उपाय बताए, लेकिन एक ही काम करना पड़ेगा, हाथों में काम और मुंह में, जोर से बोला, कोई बोल नहीं रहे, क्या चक्कर है? हाथों में काम और मुंह में नाम, बस बड़ा पारी है। इतने सरल उपाय भगवान दिए, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं इतने सरल उपाय तो दिया, लेकिन कलयुग का जीव ये करता नहीं, फिर बड़ा पार कैसे होगा, बड़ा पार कैसे होगा? इसलिए क्या करो, भगवान की नाम को जरूर जपा करो। इसलिए हमारे नाम को यहाँ बता, प्रसंग अलग हो जाएगा। हमारे यहाँ पर दो प्रभु जी है, आपको ये नाम की महिमा के बारे में आपको थोड़ी सी बताएंगे। कलयुग में भगवान का नाम लेने से वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की। हाँ देखो, ये जो बच्चा आपको सामने खड़ा है, हाँ आप लोग ये मत समझो जिसको पैसा कमाने का उपाय नहीं, लिखा पढ़ा नहीं जानते, उसको साधु बन जाते। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब यहीं पर अडोप्ट कंपनी में ये नौकरी करता था, जिसका तनख्वाह लाख रुपया थी, लेकिन उसने जीव कल्याण करने के लिए, जगत में हमारी सनातन धर्म प्रचार हो, जगत में भक्ति धर्म प्रचार हो, इन्होंने अपना नौकरी छोड़ छाड़ करके इन्होंने आकर के भक्ति में जैन किए, और जैन करते हुए उन्होंने जगत में हरि नाम को, हरि भक्ति को सर्वत्र ये प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए ताली बजाओ, ये उन्होंने इतने बड़े त्याग दिया ये जनता सेवा के लिए, हाँ सभी की सेवा के लिए इन्होंने इतने बड़े जो त्याग है, ये बहुत बड़ी त्यागी। अभी आपको कथा सुनाएंगे, कलयुग में भगवान के नाम की क्या महिमा है, नाम करने से क्या होता है। ठीक है, अज्ञान तमिरांधस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने Thank you.
पृथ्वीराज भैया, पृथ्वीराज जी इनको जल्दी जाना है, फिर थोड़ी समय बैठ सकते हो? हाँ, 10-15 मिनट भी साथ कर लेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा, एक बार सभी हाथ उठा के मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्णा। अभी गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि कलयुग में सबसे सहज साधन है ये हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम। और जब कथा चल रही थी तब प्राय गुरुदेव बोल रहे थे, बोले भगवान का नाम मेरे साथ साथ लो, साथ साथ लो। लोग तब तो ले नहीं रहे थे, इसलिए भगवान ने क्या किया, व्यवस्था कर दी, लाइट चली गई। अब बात यह हो कि उसी समय पर हरिनाम संकीर्तन करना पड़ा। इसीलिए कलयुग के अंदर देखो इस महामंत्र की इतनी सर्वश्रेष्ठता है। सतयुग के अंदर लोग तपस्या करते थे। आप लोगों ने हिरण्यकश्यप के विषय में सुना होगा, जो प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु, उन्होंने 60,000 सालों तक तपस्या करी थी। कितना? 60,000 सालों तक। उस समय पे लोगों की आयु भी होती थी 1-1 लाख साल, इसलिए 60,000 साल ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तपस्या करके और फल प्राप्त किया। जब आया त्रेता युग, राम राज्य, उस समय पे लोग हवन करते थे। दशरथ महाराज ने हवन करके ही तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था ना, यज्ञ करके वहां से चरु प्राप्त हुए थे खीर के, वही पान करके बाद में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत का जन्म हुआ। अभी आया द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर लोगों की उम्र और घटती, धीरे धीरे उम्र घटती जा रही है। सतयुग के अंदर 1 लाख साल, त्रेता युग के अंदर 10,000, द्वापर युग आते आते लोगों की उम्र रह गई 1,000 साल। उस समय पे भी धूप दीप नैवेद्य इत्यादि लेके ठाकुर की अर्चन पूजा करते थे, उससे भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन जब आया कलियुग, कलयुग के अंदर आयु और घट गई, 1,000 से हो गया 100 साल। कलयुग के अंदर परमायु बताते हैं 100 साल,
लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, किसी की आयु आजकल 100 साल भी देखने को नहीं मिलती। सभी स्टूडेंट सुन रहे थे ना, इतना कलयुग के अंदर उपद्रव है, इतनी मिलावट है चीजों के अंदर कि कोई व्यक्ति 100 साल भी उम्र जीवित रह पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और उसके बीच में फिर कोरोना जैसे स्पेशल अट्रैक्शंस आ जाते हैं, तब तो फिर और भी क्या कहना, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा बूढ़ों तक तो बात ही क्या। इसीलिए कलयुग के जीवों की परमायु बहुत कम होने के कारण भगवान ने बहुत ही सरल उपाय रख दिया। बड़ा सहज उपाय है ये कलयुग का महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो अभी हम जप कर रहे थे। भगवान कहते हैं, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव दृश्यम् इह जनी नानानुराग। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी शक्ति मेरे नाम में संचरित कर दी। जो राम कृष्ण मुकुंद दामोदर ये हरे कृष्ण महामंत्र, जिस भी तरीके से भगवान का नाम यदि कोई ग्रहण करेगा, भगवान से मिलना और भगवान का नाम ग्रहण करना एक ही बात है। भगवान के नाम में सारी शक्ति है, नाम नाम कारी बहुधा, अनेक सारे नाम भी हैं और उनमें सारी शक्ति भी मैंने संचरित कर दी। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मेरा नाम तुम संध्या के समय पे ही जप करना या केवल सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में जप करना। नाम जप करने का कोई निश्चित समय भी नहीं रखा, जब भी आपको समय हो उसी समय पर भगवान का नाम लो। सवेरे सवेरे बिस्तर में से नींद खुल गई है उसी समय पे भी भगवान का नाम ले सकते हो, रात के समय सोने से पहले भी भगवान का नाम ले सकते हो। नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव, हम लोग तब भी इतने दुर्भाग्य जीव हैं कि भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहते। कितनी बार अभी कथा में सब बार बार महामंत्र कहकर पुकार रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ कुछ लोग के तो मुंह ही नहीं खुल रहे थे। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना है? वाल्मीकि जी ने महाभारत लिखी थी ना, सब हाँ बोल रहे हैं। वाल्मीकि जी ने महाभारत लिखी थी? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना से पहले उनका पूर्व इतिहास जब वर्णन करते हैं, कहते हैं वो दक्षिण रत्नाकर थे, एक डाकू थे। उनकी भेंट हुई नारद जी से, नारद जी से उन्होंने बोला निकालो बाबा माल निकालो। बोले हम तो साधु हैं, हमारे पास में क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं। नारद जी ने उससे प्रश्न किया कि तुम जो इतने पाप कर्म कर रहे हो, ये पाप कर्म का कितना गंदा फल है, मरने के बाद तुम्हारी नर्क गति होगी पता है। बोले पाप पुण्य किसने देखा, मैं तो जो करता हूँ अपने परिवार के पालन के लिए। तुम परिवार के पालन के लिए जो कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इसमें हिस्सेदार बनेगा? बोले निश्चय बनेगा, उनके लिए तो मैं कर रहा हूँ। बोले एक बार जाकर पूछ के आओ। नारद जी आए भगे भगे पत्नी के पास में। बोले तुमको पता है मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, चोरी डकैती करता हूँ। बोले हाँ मुझे पता है, तो इसके पाप कर्म में तुम भागीदार बनोगी? तो बोले भैया बाहर का काम तुम्हारा, घर का काम मेरा, मैं घर का चूल्हा चौका भी संभालूं और फिर तुम्हारे पाप की भागीदार भी बनूं, मेरे से नहीं होगा ये, मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। बच्चों से पूछा, बोले तुम लोग मेरे पाप कर्म के भागीदार बनोगे ना? बच्चों ने भी मना कर दिया। बोले पिताजी अभी तो हम छोटे हैं, हमारा लालन पालन करना आपका धर्म है, बड़े होके हम हमारा देखेंगे, अभी तो हम आपके पाप के भागीदार नहीं बन सकते। माता पिता से पूछा, बोले आप तो बनोगे? माता पिता ने कहा कि देखो तेरे को बड़ा करना, लाल पाल के बड़ा कर दिया, अब बड़ा कर दिया है तेरी जिम्मेदारी, तू कैसे बाहर पैसा कमाता है, हमें तो दो वक्त की रोटी दे दिया कर। जब सभी ने मना कर दिया बड़ा निराश हो गया। पुनः जब नारद जी के पास में आया, नारद जी ने बोला, बोलो पाप के भागीदार कौन कौन बने? बोले प्रभु आप सच कह रहे थे, कोई पाप कर भागीदार नहीं बना, जो जो कर्म हम कर रहे हैं अच्छे या बुरे उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। नारद जी ने उसे कहा कि देखो इन पाप की मुक्ति से यदि पाना चाहते हो भगवान का नाम लो। उसको कहा बोलो राम, बोलो राम। आप लोग भी बोलो राम। और बोलो राम। अभी जो लोग पुण्य आत्मा थे ना उनके मुख से तो भगवान का नाम निकल गया, लेकिन नारद जी जो दक्ष रत्नाकर था वो इतना पापी था उसके मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा था। कहते पापी व्यक्तियों के मुख से भगवान का नाम नहीं निकल सकता, वो भगवान का नाम ही नहीं ले पाया, राम बोल नहीं पाया। नारद जी ने कहा कि तू मरा मरा मारो मारो बोलता था। अरे मरा मरा तो बोल सकता है? बोले हाँ मैं मरा मरा कह सकता हूँ, इसलिए मरा 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 करते करते उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, भगवान का नाम उल्टा जप करते 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 क्या हुआ, रामायण की रचना कर दी। भगवान के आने से पहले रामायण ग्रंथ तैयार कर दिया। इसलिए कह रहे हैं ये भगवान का नाम जो है, जो लोग यहाँ चुप बैठे थे ना, या तो बहुत पापी है या तो फिर हो सकता है गुटखा तमाकू कुछ खा के आए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान का नाम पापी व्यक्ति के मुख से उदित नहीं होगा। भगवान ने अपने नाम को इतना सुलभ कर दिया, सारी शक्ति संचरित कर दी,
स्मरण करने का कोई काल भी नहीं रखा, लेकिन इतने दुर्भाग्य जीव हैं भगवान का नाम ग्रहण नहीं करते। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जरूर ग्रहण करना चाहिए। भगवान के नाम से ही एकमात्र कल्याण होगा। अगर इसके अलावा और कोई उपाय अपना रहे हो वो बंधन का कारण बनेगा। और भगवान का भजन कितना जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी तो और कोई काम ही नहीं। सुन रहे थे ना अभी, भगवान का भजन करने के लिए ही हमें मानव शरीर मिला। अरे खाना, सोना, बच्चों को जन्म दे देना, अपनी रक्षा के लिए एक घर बना लेना, ये सारे काम तो जानवर भी करते हैं। मिलाकर देख लो, एक कुत्ता जो सड़क पे घूमता है क्या वो खाता नहीं है? क्या वो सोता नहीं है? क्या वो बच्चों को जन्म नहीं देता? तो तुमने कौन सा कोई भारी काम कर लिया? ये मानव शरीर प्राप्त करके जो हमको इतनी बुद्धि भी दी है भगवान ने, जानवरों से अधिक बुद्धि दी, किस लिए? केवल मात्र खाने सोने के लिए? कहते नहीं, भगवान का भजन यदि नहीं किया तो तुम्हारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक समय पर एक भिखारी था, ध्यान से सुनो, एक समय पर एक भिखारी रास्ते पर भीख मांग रहा था। कोई सेठ वहां से निकला, सेठ जी से भिक्षा मांगी तो बोला तू देखने में तो हत्ता खट्टा लगता है, कमा के क्यों नहीं खा लेता? बोले सेठ जी मैंने बहुत परिश्रम किया, कमाने की भी चेष्टा करी, लेकिन जो कुछ करता हूँ अंततः फेल हो जाता हूँ, तो इसलिए ले दे के भीख मांगना ही रह गया ऑप्शन। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा तू मेरे साथ में काम कर, मैं तुझे अपने बिजनेस में 50% की पार्टनरशिप दूंगा। कितनी? 50। कितनी? 50। सेठ जी की बात सुन के तो हैरान हो गया, बोले रस्ते चलते आज सुबह सुबह कोई सेठ जी 50% की पार्टनरशिप दे दे, अरे कहीं मजे वजे तो नहीं ले रहे, सच बताओ? बोले हाँ सही में, तुझे 50% नहीं, मैं तुझे 90% की पार्टनरशिप दे दूंगा, बिजनेस का पूरा मालिक तू, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले महीने के अंत में 10% तू मुझे लाकर देना। कितना? 10% तुझे महीने के लास्ट में मुझे लाकर देना पड़ेगा, जो भी मुनाफा होगा। बोले ठीक है सेठ जी, पूरी बात डील तय हो गई, 90% भिखारी का, 10% सेठ जी का। अभी पहला महीना निकला, बिजनेस की ओनरशिप लेके वो भिखारी तो बस दिन दोगुना रात चौगुना काम करने लगा, बहुत अच्छा पैसा कमाया। महीने के अंत में सेठ जी इंतजार कर रहे थे कि भैया 10% आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। सेठ जी हैरान हो गए, भैया क्या चक्कर है, पहला महीना निकल गया, वादा किया था उसने, डील हुई थी 10% देगा, आया नहीं क्यों? चलो हो सकता है काम में बहुत व्यस्त होगा, दूसरे महीने में ले आएगा। अभी दूसरा महीना खत्म हुआ, 20% की आशा करके बैठे थे सेठ जी, दूसरे महीने में भी नहीं आया। तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा, 6 महीने हो गए, अरे कोई 10% तो छोड़ो, वो तो शक्ल दिखाने भी नहीं आया। सेठ जी को चिंता हो गई, पता चली मरा गया ना, क्या हुआ, एक बार जाके तो देख लूं। सेठ जी जब खोज खबर लेते लेते आए तो देखा भैया आलीशान घर बना हुआ है, बाहर गाड़ियां खड़ी है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं। जैसे ही घर में घुस के देखा, वो व्यक्ति सामने से आ रहा था, बोले राम राम भाई, मुझे पहचानते हो? बोले आप कौन? भिखारी बोलता है आप कौन? बोले मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने तुझे बिजनेस की ओनरशिप दी थी, मेरा बिजनेस लेके तेरे पास इतने ठाट आराम हुए हैं, तू मुझे ही भूल गया? बोले अच्छा अच्छा याद आया याद आया, अच्छा ठीक है याद आ गया, बहुत बड़ी भाई मेहरबानी करी। अच्छा हमारी क्या डील हुई थी? बोले 90% तेरा और 10% मेरा, ऐसी डील हुई थी ना? बोले हाँ हुई तो थी। बोले 6 महीने निकल गए, तू तो कोई डील पैसा देने आया नहीं? बोले आप एक बात बताओ सेठ जी, बिजनेस पूरा मैंने ओनरशिप लेके दिन रात मेहनत मैं करूँ, दिन रात परिश्रम मैं करूं, और महीने के अंत में 10% आपको ऐसे दे दूं? 10% किस बात का? मैं कोई 10% आपको नहीं देने वाला। ये बात सुन के तो सेठ जी के पैरों तले जमीन घिसक गई। आप बताओ आपके साथ में अगर ऐसा कोई करे तो आप उसको क्या कहोगे? बताओ आप लोग क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को? बेईमान, धोखेबाज, है ना? देखो वो सारे बेईमान धोखेबाज लोग अभी यहां बोल नहीं रहे, हो सकता है कोई कोई तो गाली भी दे दे उसको। वो सारे बेईमान धोखेबाज वो गाली खाने लायक हम ही हैं। जानते हो कैसे? क्योंकि भगवान ने ही हमें सब चीज प्रदान करी। आप देखो ये मानव शरीर किसने दिया? भगवान चाहते तो हमें सड़क का कोई कुत्ता कोई पशु बना देते, है ना? सड़क पे इधर उधर घूम रहे होते दो रोटी के लिए, लेकिन भगवान ने हमें ये मानव शरीर दे दिया सर्वश्रेष्ठ। इसमें भी कोई लूले लंगड़े जो सड़क पे भिखारी घूमते ना वैसा नहीं बना दिया, सुस्त देह तंदुरुस्त, हाँ सब तीव्र बुद्धि दी, लेकिन तब पर भी हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं को ही भूल के बैठ गए। इसे सूरदास जी एक बड़ा सुंदर पद कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलखामी। सूरदास जी कहते हैं कि जिसने हमें सब चीज प्रदान किया उसको ही बिसराई, ताही बिसराई, उन्हीं को ही मैं भूल गया, कैसे नमक हरामी।
जिसका नमक खा रहे हैं उसी के साथ में हरामपना कर रहे हैं, ऐसे नमक हरामी है हम लोग। भगवान और भिखारी और उसके भी सेठ जी के बीच में डील हुई थी 90% और 10% की, ऐसे ही हम लोग जब मातृगर्भ में थे ना, हम भी भगवान से डील करके आए थे, हे प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, इस नरक यंत्रणा से हमें एक बार बाहर निकाल दो। भगवान ने प्रश्न किया, बाहर निकल के क्या करोगे? हमने कहा कि प्रभु हम तेरा ही भजन करेंगे, ये मानव शरीर तू हमें सर्वश्रेष्ठ योनि प्रदान कर रहा है, ये तेरा भजन करने के लिए है, हम तेरा ही भजन करेंगे, हमें एक बार बाहर निकाल दे इस कष्ट से। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बाहर आके ही माया के द्वारा ग्रसित होके सब कुछ भूल गए, ये माँ, ये बेटा, ये घर, ये पत्नी, ये सर संसार में ही रमते जा रहे हैं, रमते जा रहे हैं। जो भगवान से जो 10% का वादा किया था वो भूल गए हम लोग। भगवान हमसे 10% हमारी कमाई नहीं चाह रहे हैं, 10% पैसा नहीं चाहते हैं, 10% हमारा समय चाहते हैं, लेकिन हम वो देने को राजी नहीं। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, एक बार विचार करके देखो। अभी ये लाइट चली गई थी ना, ये देखो ये लाइट जो जल रही है इसका बिल देना पड़ता है महीने का महीने। सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, कोई ऐसा तो नहीं जो दीपक की रोशनी में पड़ता हो, सबके घर में बिजली है ना, हर महीने बिल भरते हो कि नहीं? उस बिल भरते हो, लेकिन जो दिन में जो सूर्य की रोशनी मिलती है उसके लिए कितने लोगों ने बिल दिया, हाथ उठाओ। किसने बिल दिया, हाथ उठाओ। आप देखो सप्लाई से पानी जब घर में आता है उस पानी का बिल देना पड़ता है कि नहीं? लेकिन जिसने पानी बनाया उसके लिए क्या कर रहे हो, कितना बिल दिया? जब अभी कोरोना के समय में ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी ना, सिलेंडर कितने ब्लैक में बिक रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। अरे बचपन से लेकर अब तक जो श्वास ले रहे हो, नाक के पास में ऑक्सीजन जिसने लाकर रख दी है, उस विधाता के लिए कितना तुम कर रहे हो, कितना बिल दिया है, क्या दिया है, आज तक क्या किया है, विचार करके देखो। हम भी इसलिए नमक हरामी हैं, हमें सब चीज प्रदान करने वाला वो परमेश्वर है, लेकिन उसका भजन ना करके हम हमारे नमक हराम। इसलिए वो हमें पैसा नहीं मांग रहे हैं, ठाकुर जी तुम्हें पैसा नहीं मांग रहे हैं। ठाकुर जी कहते 10% मतलब है दिन रात मिलकर 24 घंटा है, 24 घंटा में 10% होता है, 2.5 घंटा करीब करीब होता है, उसमें 10% 2.5 घंटा। ठाकुर जी कहते भैया कम से कम 2.5 घंटा तो मेरे दो, मेरे तो भजन करो कम से कम 2.5 घंटा। लेकिन हम कहते तुम कौन होता है, तेरे इसलिए तेरे भजन करे हैं। लेकिन एक चीज समझो, अब बुरा मत समझो, हमारे गुरु जी कहते थे इसी संसार में देखना अक्सर करके हम जो कुछ करते हैं अपना लिए नहीं जाता, नहीं परिवार के लिए जाता। कैसे अपना बीबी को खुश रखे, कैसे बच्चे को खुश रखे, कैसे पति को खुश रखे, कैसे सासुर को खुश रखे, कैसे ससुर को खुश रखे, है ना कि नहीं? जो घर गृहस्थी करते हो आप देखना, कभी कभी परिवार में ऐसे होता है सबको खिलाने के बाद कुछ खाने की नहीं रह जाता। माता है तो रोटी नमक देकर खा लेती कि नहीं? प्राय करके अक्सर करके जो कुछ करते हैं दूसरों को खुश के लिए। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, तुम्हारी संसार में तुम्हारी ऊपर में कोई खुश है, बोलो। संसार में तुम्हारी ऊपर में अभी तक कोई खुश हुए? देखना तुम्हारी पीछे सब चुगली के बगैर कुछ नहीं, बुराई के बगैर तुम्हें कुछ भी संसार देने वाले नहीं। द्रौपदी कितना पति थे बोलो देखी, द्रौपदी को कितना पति थे? 5। भरी सभा में जब उसकी वस्त्र हरण हो रही थी, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में कौन है? श्री युधिष्ठिर और श्री नकुल सहदेव, एक से एक योद्धा। जब वस्त्र हरण हो रही थी द्रौपदी आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कोई तो कुछ बोलेगा, कोई तो कुछ देगा, पंच पांडव कोई काम में आए, 5 पति कोई काम में आए, फिर पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य, महाभारत देखे होंगे। वो आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कोई तो कुछ बोलेगा, कोई उसको काम में आए, बोलो। लेकिन अंतिम समय में कौन काम में आए, बोलो जोर से। बस जब उसने हे गोविंद राग शरण अब जीवन हरि, जब दोनों हाथ को उठा करके भगवान को पुकारे, स्वयं ठाकुर जी वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। भैया ये चीज याद रखो, साड़ी ठाकुर जी क्यों दिए, कारण किया, कभी ठाकुर का अंगुल कट गई, भगवान परीक्षा कर रहे थे। इतने में द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी को फाड़ करके बैंडेज कर दी थी, भगवान उसमें भसीभूत हो गए, मेरे हाथ अंगुल कट गया, द्रौपदी साड़ी फाड़ दी, कब इसका ऋणी मैं चुका हूं, कब मैंने इसका ऋणी चुका हूं,
तभी ठाकुर जी वस्त्र दिए। इसका मतलब है ठाकुर के लिए जितने करोगे ना भैया वही मिलेगी, दुनिया के लिए जो कुछ कर रहे हो बदनाम की सिवाय तेरे को कुछ भी मिलने वाले नहीं। इसलिए क्या करो, क्या करो, 10% ठाकुर को दो। कितना दोगे, कितना दोगे, पैसा नहीं समय। अगर 10% नहीं दे सकते हो 5% दे सकते हो कि नहीं? अगर 5% नहीं 2% दे सकते हो? 2% मतलब आधा घंटा होता है। कम से कम सवेरे उठ करके जितने कर्तव्य हम मान रहे हैं, ये कर्तव्य वो कर्तव्य ये कर्तव्य, कोई कर्तव्य तुम्हारे काम में आने वाले नहीं। एक कर्तव्य काम में आएगा केवल प्रभु का नाम। अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही तो बोलते बोलते ले जाएंगे। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। ये बोलते ना, किसको सुनाते हैं, वो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति को सुनाते हैं, भैया जितने राम और कृष्ण का नाम लिए वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है सब तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए क्या करना, कल से सवेरे उठ करके, सवेरे उठ कर क्या करो, नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठो, माला लेकर के थोड़ी समय ठाकुर का नाम जप करो, जितना समय कर सकते करो, उसको बाद में दिन भर काम करो ना, मना थोड़ी करते हैं। ठाकुर जी कहते जो कुछ करो मेरा सेवा मान कर करो, घर में झाड़ू लगाओ तो समझो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, रसोई बनाओ तो समझो ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं, बच्चे को प्यार देते हो ठाकुर जी का बच्चे है। ठाकुर जी कहते कोई चीज छोड़ने का जरूरत नहीं, मेरे साथ में हर चीज को जोड़ो। क्या करो, अरे बोलो क्या करो, जोड़ो, छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को मेरे साथ में जोड़ लो, बस हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम के अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुना। देखो क्या उदाहरण देते हैं, इतनी सी चीज अपना दिमाग में बैठा दो, जैसे एक रखो, एक रख करके सीधा हाथ में एक सुना दे दो, अब बताओ तो कितना होएगा, बोलो जोर से, एक रख करके सीधा हाथ में एक सुना दो कितना होगा, 10। जो एक है ना झट 10 गुण बन गया, और एक जीरो दो कितना होगा, 100। 10 गुण बन गया, और एक जीरो दो कितना होगा, 1000। देखना एक रख करके जब एक एक जीरो दे रहे ना, वो 10-10 गुण हो रहा है। अभी एक को हटा दो, अभी जीरो दो कितना होगा, अरे बोलो, 0-0, और एक जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो, भैया जीरो का कोई वैल्यू नहीं। देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले ये एक क्या, ये जीरो क्या है, बोले जो एक है ना ये प्रभु का भक्ति, एक प्रभु की भक्ति, बोले ये जीरो किया, बोले संसार आज है कल नहीं, कोरोना में कितने लोग गए, ये जीरो संसार है, लेकिन ये जीरो हीरो बन सकता है, लेकिन कब बनेगा, जब ये जीरो एक को साथ में मिल जाए। मतलब क्या, जब सब कुछ करो लेकिन प्रभु की सेवा मान करके जब करेंगे, ठाकुर जी की भक्ति मान कर जब करेंगे ठाकुर जी की, बस जीरो हीरो बन जाएगा। इतना ही करना है, हर चीज को प्रभु को भक्ति को साथ में जोड़ दो, बस कल्याण कल्याण, ठीक है ना। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है ठाकुर को कल से 2% देना। कितना % दोगे, कौन देगा, हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ, कौन कौन देगा, अरे हाथ उठा भाई, हाथ नहीं उठा क्या चक्कर है। हाँ मतलब कबर कल सवेरे नहा धो करके सारे काम को थोड़ी समय के लिए पीछे रख लेना, वो होता रहेगा। कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, हाँ ये चीज को विश्वास करो। ठाकुर के प्रति एक कदम बढ़े तो ठाकुर जी 10 कदम बढ़ाएंगे, आप स्वयं देख लेना। अब ये मत समझो अरे ठाकुर के लिए समय देगा तो हमारी काम बाकी रह जाएगा, नहीं। अब नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, जब उसकी बेटी की शादी हुई ना, स्वयं ठाकुर जी सावरिया सेठ बनकर के जाते हैं, क्या हीरे जवाहरात की बरसात होती है, क्या उन्होंने शादी दिलाई, क्यों, नरसिंह भगत भजन करते थे। अभी बेटी की शादी कैसे होगी, ठाकुर स्वयं जाते हैं शादी कराने के, भगवान को बड़े विश्वास करो, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री, कहू बची काली गयु, हरे कृष्ण पृथ्वीराज भैया, अब ले आप आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ सब लोग बैठो, हमारे
कुछ हमारे नेता लोग आए हैं, इसको बाद में प्रभु जी भजन बोलेंगे, उसको बाद में आप सब प्रसाद लेकर जाना। लेकिन हाँ देखो, हाँ देखो, खोड़ावासी भक्त लोगों को स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोग इतने परिमाण से जो भक्त लोग आए ना, दूसरे दूसरी जगह में इतने भक्तों को मिलना बड़ा कठिन। आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ जोर से ताली। कम से कम यहाँ के भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए हो। शंकर जी कहते हैं, पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर का कृपा हो ना, वही ठाकुर जी वही कथा सुनने के लिए आते हैं। लगता है आप सबको ऊपर में बांके बिहारी का राधा रानी की आशीर्वाद हो, जो आप लोगों ने घर का सारे काम धाम को पीछे रख करके आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए। आरती होगी ना, प्रभु जी का भजन गा लेते हैं। प्रभु जी का भजन गा लेते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। देखो जो आज है ना हमारे मंदिर में, हमारे गुरु जी का जो गुरु जी उनको जन्म तिथि था, इसलिए हमको आज देर हो गई आने में, इसलिए आज हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन कल हम सब लोग एकदम टाइम से आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सोच रहे थे शायद भक्त लोग नहीं आए होंगे, लेकिन हमने देखा आप लोग कुछ भक्त लोग आ गए थे कथा में। कल हम लोग एकदम टाइम में आ जाएंगे, ठीक है। और जो पीछे पीछे जो भक्त लोग आए हो, कोशिश करना टाइम से, अगर 2 बजे तक अगर कथा में आ जाओगे, हम कोशिश करेंगे टाइम से कथा को विश्राम देने के लिए, ठीक है। नहीं रसिकों की समाज में आएगा जो, हरे कृष्ण को वही समझेगा जो कृष्ण से प्रीति लगाएगा जो, रज धोरे तक के कलेवर में के किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम की ओड़ी छुमरिया, जो भगवान के कीर्तन में नाचेगा ना उसको 84 लाख जोड़ी नाचना खत्म, नहीं तो संसार का 2 करोड़ भी नाच नाचना पड़ेगा। इसलिए एक बार खड़े होकर के ठाकुर के भजन में नाच लग जाए एक बार सब के सब। एक बोट बीच पड़ा दी
Thank you.